आप डाल दीजिए पहले। शुरू करो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं सैयद राशिद, मुअल्लिम उर्दू, गवर्नमेंट पीयू कॉलेज फॉर गर्ल्स बीदर, आप तमाम का आज के इस वेबिनार में इस्तकबाल करता हूँ। सबसे पहले मैं विजडम इदारा जात के फाउंडर एंड प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद आसिफुद्दीन साहब का मशकूर व ममनून हूँ क्या आपने आज के इस वेबिनार में इस नाचीज को भी दावत दी कि मैं आपके साथ कुछ हम कलाम हो सकूं, और जमात दहूम के जो अभी हम इम्तिहान देने जा रहे हैं हमारे तलबा व तालिबात सालाना, उसमें किस तरीके से हमारे तलबा व तालिबात 100% नंबरात हासिल करें। आज क्योंकि आप आज के जो वेबिनार शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बात अर्ज कर दूं आपको तमहीदी तौर पर कि आपने साल भर पढ़ा है, आपके क्लासेस चले हैं, आपके पास किताबें हैं, नोट्स हैं, तमाम चीज़ें हैं। ये वेबिनार रखने का मकसद ये है कि आसिफ साहब ने गौर किया कि कोविड की वजह से क्लासेस लेट स्टार्ट हुए हैं और बहुत सारे तलबा व तालिबात इससे मुतासिर हुए हैं, क्यों ना एक ऐसा वेबिनार रखा जाए जिसके जरिए तमाम चीज़ों को एक जगह इकट्ठा किया जाए, जो चीज़ छूट रही है हम उसके ऊपर तवज्जो दे, ताकि हमारी कौम के तलबा व तालिबात तमाम मजामीन में ज्यादा से ज्यादा नंबरात हासिल कर सके। यहाँ पर मैं बता दूं कि विजडम में एक नहीं बल्कि चार चार जबानें पढ़ाई जाती हैं, उर्दू, इंग्लिश, कन्नड़ और हिंदी। यहाँ पर तमाम चीज़ों के लिए जो तलबा उर्दू जबान लेना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर फैसिलिटी है, और जो हिंदी लेना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर उसका अहतमाम किया गया है। तो आइए आज हम अपनी इस वेबिनार का आगाज करते हैं। आज हम देख रहे हैं, अभी मैं आपके सामने जो किताब दिख रही है, नौबहारे अदब उर्दू जबान अव्वल की निसाबी किताब है। इसको आप लोग अच्छी तरीके से वाकिफ है इस किताब के बारे में कि हम यही किताब साल भर पढ़े हैं। तो सबसे पहले हमें देखना इस बात के पर है कि किस तरीके से हम 100 नंबर हासिल करें। क्यों? क्योंकि उर्दू जो मजमून होता है वो 100 नंबरात का होता है, उसमें 100% 100 नंबर रहते हैं, दीगर मजामीन में 80 नंबर रहते हैं। तो परसेंटेज अगर किसी को बढ़ाना है, किसी को अपना परसेंटेज ज्यादा करना है, तो उसे उर्दू में भी ज्यादा नंबर हासिल करने पड़ेंगे, बल्कि पूरे के 100 नंबर हासिल करने पड़ेंगे, तभी हम अपना परसेंटेज ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। देखिए जो हमारे पास पैटर्न हुआ है वो थोड़ा सा चेंज है, पैटर्न हमारे लिए अब जो आ रहा है, इससे पहले कोविड में आया था लेकिन वो तमाम मारूजी था, सिर्फ 40 नंबरात का पेपर था, लेकिन अब फिर वही पुराना पैटर्न आया है। तो सबसे पहले हम इस जदवल में देखेंगे कि कौन से नंबर पे कितने मार्क्स के कौन कौन से सवाल आ सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास मारूजी सवालत, ये 6 सवाल आते हैं, निशानात इसके एक एक मार्क्स के 6 सवाल आते हैं, 6 नंबर होते हैं। इसी के साथ मुनासिबत रखने वाले 4 क्वेश्चन आते हैं, एक एक मार्क्स के वो 4 नंबर होते हैं। तीसरा है हमारे पास एक जुमले के सवालात, ये 7 सवालात हैं, एक मार्क्स के लिए, एक नंबर के लिए इसके भी 7 नंबर होते हैं। 2 या 3 जुमलों के सवालात हैं, ये हैं सवालात 10, और ये 2 मार्क्स के लिए आते हैं, टोटल इसके जुमला निशानात होते हैं 20 निशानात होते हैं। इसी के साथ 3 या 4 जुमलों के सवालात हैं, ये हैं 11, ये टोटल यहाँ पर उसके निशान हैं 3 3 मार्क्स के, 11 क्वेश्चन आते हैं, तो उसके टोटल निशानात होते हैं जुमला 33 मार्क्स। फिर तफसीली जो सवालात हैं वो हैं हमारे पास 5 आते हैं, 4 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं, इसी हिसाब से चार, जिस तरीके से 4 5 20, तो ये 20 निशानात यहाँ पर होते हैं। मजमून है, मकतूब है, खतनवीसी है, वो क्वेश्चन आते हैं सवाल 2, उसके 5 मार्क्स के लिए मजमून आता है,
5 मार्च के लिए खत आता है, उसके निशानात होते हैं 10। इस तरीके से जुमला 100 नंबरात का क्वेश्चन पेपर सवाली पर्चा हमारे पास हमारे हाथों में आता है। तो हम देखेंगे, आप यहाँ पर इस खाके पर नज़र डालें कि हम अगर गौर करेंगे तो सिर्फ यहाँ पर 2 या 3 जुमलों के सवालात दो या तीन जुमलों के जो सवालात हैं वो होते हैं, उसके निशानात होते हैं 20। 3 जुमलों के जो सवालात हैं वो आते हैं टोटल 11, उसके नंबर होते हैं 33। ये अगर हम दोनों को जमा करेंगे तो यहाँ पर 50% नंबरात सिर्फ हमें 2 मार्क्स के क्वेश्चंस और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस से हासिल होते हैं। तो ये हमारे लिए कितने अहम हैं, हम इस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। इसी के साथ हमारे यहाँ पर है तफसीरी जवाबात, ये 5 क्वेश्चंस हैं 4 मार्क्स के, ये 20 बनते हैं, तो हमारा क्वेश्चन जो सवाली पर्चा हो गया वो हो गया है 70 मार्क्स का। इसी के साथ मजबून है, मकतूब है, खत है, वो होता है 10 मार्क्स का। हमारा क्वेश्चन नंबर का पर्चा हो गया है 80 मार्क्स का। अब इसके बाद में जो बच रहा है वो क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, इसी में हमें मारोजी क्वेश्चंस हैं, फिर एक जुमले के सवालात हैं, फिर ये हैं, ये तमाम मुनासिबत के हैं, ये मिलाकर टोटली हमारा पर्चा जो होता है 100 मार्क्स का हो जाता है। आइए अब हम सवाली पर्चे की तरफ और साल भर किस तरीके से उसे पढ़ना है हम जानेंगे। सबसे पहले हमारे पर्चे पर जब हम पर्चा सवाली पर्चा हमारे हाथ में दिया जाता है तो वहाँ पर आम हिदायत रहते हैं, हमें गौर से उसको देखना चाहिए, अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। आम हिदायत इस तरीके से रहते हैं, सवाली पर्चा मारूजी और मौजूई किस्म के सवालात पर मुश्तमिल है जिसमें 45 सवालात हैं। जुमला 45 सवालात आपके क्वेश्चन पेपर में रहेंगे। दूसरा जो हिदायत यहाँ पर दी गई है, दूसरी हिदायत, इस सवाली पर्चे को सरमुबर कर दिया गया है, इम्तिहान शुरू होने के वक्त आपको पर्चा पढ़ने के लिए इसे बाएं तरफ से काटना होगा, यानी जो बाएं हिस्सा है, दाएं हमारा सीधा हिस्सा, बाएं हमारा जो लेफ्ट हिस्सा रहता है वहां से आप उसको कट करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, तभी आपका क्वेश्चन पेपर खुलेगा। अच्छी तरह देख ले कि सवाली पर्चे के सभी सफात ठीक ठाक हैं। आप जब खोलेंगे तो आपको ये देखना चाहिए कि उसके अंदर तमाम क्वेश्चन पेपर खाली हो गया है, इसे हम आमतौर पर गौर नहीं करते लेकिन पहले काम हमें वही करना है। फिर तीसरी जो हिदायत है, मारूजी और मौजूई दोनों किस्म के सवालों के लिए दी गई हिदायत के मुताबिक जवाब लिखे। जो हिदायत दी जाती है पहले हिदायत को पढ़ेंगे हम, जो पूछा जा रहा है हम उसी उतना ही जवाब देंगे। हिदायत को पढ़ेंगे, उसको गौर से उसके ऊपर गौर करेंगे, फिर इसके अन्य सवाल के जवाब हम देंगे। चौथा है, बाएं हाथ के हाशिए पर पूरे मार्क्स दिए गए हैं, दाएं तरफ क्वेश्चन रहते हैं सीधे हाथ की तरफ, और बाएं तरफ कौन से मार्क्स के कौन सा सवाल कितने निशानात के ऊपर मौजूद है उसकी तफसील रहती है। पांचवी जो हिदायत दी गई है, जवाब देने का ज्यादा से ज्यादा वक्त सवालनामे के ऊपर दिया गया है, इसमें सवाली पर्चा पढ़ने के लिए 15 मिनट शामिल हैं। अगर आपका 3 घंटे का पेपर है तो 15 मिनट एक्स्ट्रा दे रही है, हमारा बोर्ड हमें एक्स्ट्रा दे रहा है 15 मिनट, ताकि हम तफसील से उसकी हिदायत पे पढ़ ले और उसके ऊपर अमल करें, इसके लिए आपको ज्यादा वक्त दिया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है जो बोर्ड हमें तलबा को तालिबात को दे रहा है। आइए अब हम सवाली पर्चे के साथ साथ तमाम उन सबसे पहले जब हम देखेंगे तो 6 हमारा क्वेश्चन पेपर जब हम खुलेगा उस तो उसमें 6 क्वेश्चन आएंगे मारूजी, एक एक मार्क्स के, एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन आएंगे, और वो जो 6 क्वेश्चन आएंगे वो होंगे कवायद पर डिपेंड, कवायद से जुड़े हुए होंगे, कवायद के मुताबिक ही होंगे, इसलिए हमें बहुत कोशिश करनी चाहिए कि हम इन मारूजी सवालात को आसानी के साथ हल करें। मैं उन तलबा तालबात को यहाँ पर हिदायत देना ज़रूरी समझता हूँ जिनकी ख्वाहिश है कि वो 100 नंबरात हासिल करना चाहते हैं, पूरे के पूरे नंबरात उन्हें मिलना चाहे, उनकी ख्वाहिश है और वो कोशिश कर रहे हैं दिन रात के उर्दू मजमून में 100 के 100 नंबर हासिल हो, तो उन्हें इन एक एक मार्क्स के सवाल पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, तभी आप 100 नंबर के निशान तक पहुँच सकते हैं, 100 में से 100 मार्क्स ले सकते हैं।
तो आइए सबसे पहले हम हमारा जो हिस्सा है अहम हिस्सा उसके ऊपर हम सवाल नामे का उसके ऊपर हम पहले गौर करेंगे, पहले हम कवायद पर देखेंगे, फिर इसके बाद में दूसरे सवाल की जानिब जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कवायद बिल्कुल आसान है जो हम पढ़े हैं, जिस तरीके से यहाँ पर दिया गया है जुमला अल्फाज का ऐसा मजमा जिससे पूरी तरह बात समझ में आ जाए जुमला कहलाता है। फिर इसके बाद में है सूरत के लिहाज से जुमले की दो जो किस्में हैं, एक है मुफरद जुमला दूसरा है मुरक्कब जुमला। मुफरद जुमला एक ही मुसनत और मुसनत अलिया से बना हो इसे मुफरद जुमला कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए रात गुजारी मुनादी हुई, तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि मुसनत किसे कहते हैं। मुसनत किससे कहते हैं और मुसनद इलिया किससे कहते हैं। मुसनत जो कहते हैं खबर को कहते हैं, मुसनत यानी खबर। दूसरा है मुसनद अलिया, उसके क्या माने हैं, उसे क्या कहते हैं, किसी शख्स या चीज का जिसे जिक्र हो उसे कहते हैं मुसनद अलिया, उसे मुब्तदा भी कहते हैं। तो यहां पर देखना चाहिए मुफर्रद जुमला एक ही मुसनत और मुसनद अलिया से बना हो इसे मुफर्रद जुमला कहते हैं। मिसाल दी गई है रात गुजारी, दूसरी मिसाल है मुनादी हुई। तो इसमें क्या है, मुसनत क्या है, इसमें मुसनत है रात मुनादी, यह खबर दे रहा है, ये जो जुमला है रात खबर दे रहा है कि अब रात हो चुकी है, मुनादी लगाई जा रही है, मुनादी जो है खबर दे रहा है। मुसनद अलिया है गुजारी हुई। मुसनद अलिया किसे कहते हैं, जुमले का वो हिस्सा जिसमें किसी शख्स या चीज का जिक्र हो वो मुसनद अलिया या मुब्तदा कहलाता है। इसलिए हम इसमें इसको आसानी से जानना चाहिए कि मुसनद किसे कहते हैं, मुसनद अलिया किसे कहते हैं। आइए अब हम देखेंगे मुरक्कब जुमला। मुरक्कब जुमला दो मुफर्रद जुमलों से बना हो इसे मुरक्कब जुमला कहते हैं। इसकी मिसाल यहां पर है नमाज अदा की और कसवा ऊंटनी पर सवार हुए। दूसरी मिसाल है खुदा का पैगाम पहुंचा दिया और अपना फर्ज अदा किया। यहां पर देखिए नमाज अदा की, नमाज अदा की और कसवा ऊंटनी पर सवार हुए। यहां पर जो और आ रहा है ये और क्या कर रहा है, दो मुफर्रद जुमलों को मिला रहा है। तो मुरक्कब जुमला किसे कहेंगे, दो मुफर्रद जुमलों से मिलकर बनने वाला जुमला मुरक्कब जुमला कहलाता है। ये है मुफर्रद जुमला और मुरक्कब जुमला और उसकी मिसालें। सूरत के लिहाज से जुमले की कितने किस्में होते हैं, सूरत के लिहाज से जुमले की दो किस्में होते हैं, एक है मुफर्रद जुमला दूसरा है मुरक्कब जुमला। इसके बाद में है मुफर्रद जुमले की दो किस्में कौन कौन सी हैं, जुमले इस्मिया जुमले फेलिया। जुमले इस्मिया किसे कहते हैं, ऐसा जुमला जिसमें मुसनद अलिया और मुसनद दोनों इस्म हो जुमले इस्मिया कहलाता है, उसमें फेल नाकिस भी हो तो इसे जुमले इस्मिया कहलाता है कह सकते हैं। जैसे यहां पर है मिसाल इसकी देखिए बदायूं कदामत पसंद शहर है, अम्मा मुलाजिमा थी, खुद नविश सवाने एक नसरी सिंफ है। तो यहां पर क्या कह रहा है, ऐसा जुमला जिसमें मुसनद अलिया और मुसनद दोनों इस्म हो, दोनों इस्म हो, इसको क्या कहेंगे, जुमले इस्मिया कहेंगे। जैसे यहां पर देखिए बदायूं अम्मा मुलाजिमा खुद नविश सवाने, ये क्या है, मुसनद अलिया है। इसका मुसनद क्या है, इस्म क्या है, शहर है, नसरी सिंफ है, मुलाजिमा है। और आगे क्या है, इसका फेले नाकिस क्या है,
है फेले नाकिस, थी फेले नाकिस। जुमले इस्मिया, ऐसा जुमला जिसमें मसनद अलिया और मसनद दोनों इस्म हो, जुमले इस्मिया कहलाता है। बदायूं भी इस्म है, शहर भी इस्म है, अम्मा भी इस्म है, मुलाजिमा भी इस्म है, खुदनविश सवानी भी इस्म है, नसरी सिन भी इस्म है, उसी के साथ उसमें फेले नाकिस भी शामिल है। तो ऐसे जुमले को हम जुमले इस्मिया कहें, इसमें जुमले इस्मिया कहेंगे। इसके बाद में यहाँ पर बताया गया है बदायूं, अम्मा और खुदनविश मुसनद अलिया हैं, शहर मुलाजिमा और नसरी सिन्फ ये है मुसनद, जबकि है थी है ये होता है फेले नाकिस। जुमले फेलिया वो जुमला है जिसमें मुसनद अलिया इस्म हो और मुसनद फेल हो। जिस जुमले में फेले लाजिम या फेले मुतदी हो वो जुमले फेलिया कहलाता है। जैसे मिसाल देखिए इसकी, बच्चों ने अम्मा की पोटली खोली, अम्मा लाठी के सहारे चलती थी, तीसरा है नासिर घूम घाम कर आया। इसमें देखिए मुसनद अलिया, बच्चों अम्मा नासिर ये हैं मुसनद अलिया हैं और ये इस्म है, जबकि खोली चलती आया ये फेल है, खोलना एक काम है, फेल किसे कहते हैं, काम को कहते हैं फेल, खोलना चलना चलती ये काम है, काम हो रहा है, इसके अंदर में है आया, आना एक काम है, कोई घूम कर आता, कोई आता है, कोई जाता है, इसे हम क्या कहेंगे, जुमले फेलिया जिसमें मुसनद अलिया इस्म होता है, उसका मुसनद क्या होता है, फेल होता है। यहाँ पर मुसनद अलिया है बच्चों अम्मा नासिर, जबकि मुसनद उसका जो फेल है यहाँ पर खोली चलती आया ये फेल है। यहाँ पर मुसनद अलिया इस्म क्या है, बच्चों अम्मा नासिर, जबकि इसका फेल क्या है, खोली चलती आया। अब हम देखेंगे फेले लाजिम, वो फेल है जो सिर्फ फाइल के साथ मिलकर पूरा मतलब अदा करे और मफूल की जरूरत ना रहे। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है, बिल्ली बैठी है बच्चा रोता है। तो यहाँ पर देखिए वो फेल है जो सिर्फ फाइल के साथ मिलकर पूरा मतलब अदा करे और मफूल की जरूरत ना पड़े। फेल कहते हैं काम को, फाइल कहते हैं काम करने वाले को, मफूल कहते हैं जिसके ऊपर काम का असर पड़े उससे कहते हैं मफूल। ये तीनों को जानना जरूरी है, तीनों फेल जब तक हम नहीं जानेंगे फेले लाजिम ये तमाम जुमले फेलिया को नहीं समझ सकते। तो यहाँ पर देखिए बिल्ली, बिल्ली क्या है, फाइल है, बिल्ली बिल्ली क्या है, फाइल है, बच्चा क्या है, फाइल है, और इसके अंदर यहाँ पर क्या है वो उसको जो सिर्फ फेल है उसका फेल क्या है, बिल्ली का फेल क्या है, बैठी है, काम है उन्हें बैठी है, और बच्चा क्या है, रोता है, एक काम हो रहा है, रो रहा है, इसके आगे है फेले नाकिस है ये, इसके यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है, वो फेल है जो सिर्फ फाइल के साथ मिलकर पूरा मतलब अदा करे और मफूल की जरूरत ना रहे। फाइल के साथ बिल्ली बैठी है, कहाँ पर बैठी है इसकी जरूरत नहीं है, हमको वो देखना जरूरी नहीं है, वो अहम नहीं है, बिल्ली बैठी है, मफूल वो कहाँ पर बैठी है, अगर वो जगह मालूम होती तो वो मफूल उस चीज के पर बैठी है तो वो मफूल होता था, लेकिन यहाँ पर मफूल नहीं है फेले लाजिम में। इसी तरीके से बच्चा रोता है, बच्चा रो रहा है, बच्चा क्या है, फाइल है, रोता उसका फेल है, लेकिन क्यों रो रहा है, किसके पर असर पड़ रहा है, माँ के ऊपर क्या असर हो रहा है, ये यहाँ पर नहीं बताया गया इस जुमले में, तो इसके यहाँ पर जरूरत नहीं है। फेले मुतदी आता है इसके बाद, वो फेल है जिसके लिए फाइल के अलावा मफूल की जरूरत पड़े। फेल जैसे कलीम उल्ला साइकिल चलाता है, दूसरा है मरियम कुरान पढ़ रही है, वो फेल है जिसके लिए फाइल के अलावा मफूल की जरूरत पड़े। देखिए यहाँ पर कलीम उल्ला फाइल, चलाता फेल, उसका असर किसके ऊपर पड़ रहा है, साइकिल के ऊपर, तो ये साइकिल क्या है, ये है मफूल। फिर इसी तरह यहाँ पर देखिए मरियम, मरियम क्या है, एक लड़की है, फाइल है, और
वो क्या कर रही है, पढ़ रही है। उसका काम क्या है, पढ़ना उसका काम है, पढ़ रही है। वो क्या पढ़ रही है, किसके पर असर हो रहा है, क्या वो तालीम हासिल कर रही है, कुरान पढ़ रही है। कुरान ये मफूल है, तो यहाँ पर फेले मोतदी उसे कहेंगे, वो फेल है जिसके लिए फाइल के अलावा मफूल की जरूरत पड़े, इसे कहते हैं फेले मोतदी। इसका में यहाँ पर देखिए, माने के लिहाज से जुमले की दो किस्में हैं। अभी हम इससे पहले देख चुके हैं सूरत के लिहाज से जुमले की दो किस्में, एक मुफर्रद जुमला, दूसरा मुरक्कब जुमला। यहाँ पर है माने के लिहाज से जुमले की दो किस्में हैं। आमतौर पर बच्चे कंफ्यूज करते हैं इन क्वेश्चंस में, सूरत के लिहाज से और माने के लिहाज से। आप जहन नशीन रखिए, सूरत के लिहाज से मुफर्रद जुमला और मुरक्कब जुमला, जबकि माने के लिहाज से जुमले खबरिया और जुमले इंशाया। जुमले खबरिया किसे कहते हैं देखेंगे, किसी वाक़े कैफियत या सूरत हाल की खबर देने वाले जुमले को जुमले खबरिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, नेहरू जी ने अहमदनगर की असरी के दौरान मौलाना आजाद से उर्दू का दर्स लिया था। यह खबर मिल रही है कि नेहरू जी ने अहमदनगर की जेल में मौलाना अबुल कलाम आजाद से उर्दू जबान सीखी, यह खबर इत्तला मिल रही है। दूसरी देखिए मिसाल, उर्दू के मशहूर मुहक्किक काजी अब्दुल वदूद स्विट्जरलैंड के एक नर्सिंग होम में जेर इलाज थे। अब तक हमें नहीं मालूम था कि काजी अब्दुल वदूद बीमार भी थे, और थे तो वो कहाँ पर इलाज करे। इस जुमले से जुमले खबरिया मालूम हो रहा है कि ये कहाँ के, स्विट्जरलैंड के नर्सिंग होम में अपना इलाज कराए हैं। तीसरी मिसाल देखिए, जोश साहब पूरे तुमतराख के साथ नज़म पढ़े जा रहे थे। इतने जोशीले अंदाज में नज़म पढ़े जा रहे थे कि उन्हें कोई होश ही नहीं था कि अवाम पर उसका क्या असर हो रहा है, और वहां पर बैठे हुए उस वक्त के वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर उसका क्या असर हो रहा है। तो जुमले खबरिया किसी वाक़े कैफियत या सूरत हाल की खबर देने वाले जुमले को क्या कहेंगे, जुमले खबरिया। इसके बाद में देखेंगे हम, ये एक अहम हिस्सा है, जुमले इंशाया। वो जुमला है जिसमें कहने वाले के ख्याल, उसकी ख्वाहिश या जज्बे का इजहार हो, इसे हम कहेंगे जुमले इंशाया, जिसमें कहने वाले के जज्बे, ख्याल और उसकी ख्वाहिश का इजहार हो। आमतौर पर जुमले इंशाया ऐसे जुमले को कहा जाता है जहां पर हमारी जबान से ऐसे अल्फाज अदा हो जाते हैं जे के बेसाख्ता हमारी जबान से अल्फाज निकल जाते हैं, जो हम सोच कर नहीं बैठे थे कि ये इस वक्त ये जुमला कहेंगे। जैसे जो यहाँ पर है, अमर जो सजा दी जा सकती है बिला तामील दे दो। अमर कहते हैं हुक्म देने को, जो सजा देना चाहते हैं आप बिला तामील दे दो, हुक्म दे रहे हैं, ये होता है जुमले इंशाया। इसमें यहाँ पर इनका ख्याल है, इनका यहाँ पर देखिए इनके हुक्म है, यहाँ पर इनका इस ख्याल में है, नहीं मैं मौजूदा हुकूमत को जायज तस्लीम नहीं करता, जुमले इंशाया में आता है, नहीं मैं मौजूदा हुकूमत को जायज तस्लीम नहीं करता। इसी के साथ में है निदा, ए खुदा हमें सिराते मुस्तकीम पर चला, हम निदा दे रहे हैं, ए खुदा हमें सिराते मुस्तकीम पर चला। जैसे कोई जा रहा है तो हम उसे रोकने के लिए कहते हैं, अरे अजी जरा ठहरिए रुकिए, इसे कहते हैं निदा देना, आवाज देना। इसके बाद में है इस्तेफाम, इस्तेफाम कहते हैं जुमले, इस्तेफाम कहते हैं सवाल करने को, जैसे क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये ना कहो तो और क्या कहूँ, ये ना कहूँ तो और मैं क्या कहूँ। इस ख्याल में है जुमले तहसीन, माशाल्लाह, दाद देने के लिए कहते हैं, बहुत खूब, शाबाश, बहुत अच्छा, हम माशाल्लाह हमारा मुल्क साइंसी तरक्की में पीछे नहीं रहा। इसके बाद में है यहाँ पर ताजुब है, और फिर ताजुब में आता है वाकई जंग आज़ादी में हमने बहुत कुछ क्या किया है, खोया है, वाकई ताजुब में, अरे ऐसा कैसा हो गया, अच्छा ऐसा हो गया, कोई एकदम खबर सुन ले हम कोई हादसे की या कोई ऐसा बड़े कारनामे की, तो एकदम ताजुब से कहते हैं, अरे अच्छा ऐसा हो गया है, इसे कहते हैं गुरफे ताजुब। फिर इस में आता है यहाँ पर गुरफे तासुब, वो जुमला ये तो जुमले में भी आता है, हाय ये बर्बादी के मंजर देखे नहीं जाते, अफसोस के लिए, उफ अफसोस, हाय ये क्या हो गया। फिर इस में है तमन्ना, ख्वाहिश का इजहार करना, तमन्ना करना, काश आज हम कोई हम में कोई सकरात जैसा सच्चा, आजाद जैसा दिलेर रहनुमा शख्स होता, इसे कहते हैं तमन्ना करना, ख्वाहिश करना। फिर इस कान में है तंबीह करना, होशियार, खबरदार, आगे
रास्ता पुरखतर है, तंबीह कर रहे हैं, हम उसे टोक रहे हैं। फिर इसके अंत में है जुमले शर्त, अगर हमारे बुजुर्ग कुर्बानी ना देते तो मुल्क आजाद ना होता। आज हमें आजादी अगर नसीब भी है तो हमारे बुजुर्गों की वजह से भी, उनकी शर्त थी, वो कुर्बानी दिए हैं, इसलिए हम क्या है आज आजादी की जिंदगी गुजार रहे हैं। इसका मैं अर्ज करना, कोई चीज से तकल्लुम करना, बात करना, मेहरबानी फरमाकर मुझे इस अजाब से निजात दिलाई, मैं अर्ज करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ मैं आपके सामने। फिर इसका में है कसम खाना, वल्ला मैंने इनकी परेशानी पर कभी बल नहीं देखा, इनकी परेशानी पर कभी बल नहीं देखा, कसम से मैं कभी उनकी परेशानी के ऊपर बल नहीं देखा, मैं कसम से कहता हूँ कि वहां पर मैं जो देखा हूँ वो बिल्कुल सही है। ऐसे जुमले को क्या कहेंगे, जुमले इंशाया कहेंगे जिसमें ख्याल, ख्वाहिश या जज्बे का इजहार हो। मस्कुरा जुमलों में अमर, नहीं, निदा, इस्तेफाम, तहसीन, ताजुब, तासुफ, तमन्ना, तंबिया, शर्त, अर्ज और किस्म का इजहार हो रहा है, ऐसे जुमले इंशाया कहलाते हैं। इस कान में है मुरक्कब जुमले की दो किस्में, मुरक्कब मुतलक है, मुरक्कब मुतलब है। मुरक्कब मुतलक कहेंगे ऐसे जुमले जो माने के अतबार से दोनों मुकम्मिल होते हैं, जिनको हुर्फ अतफ और से जोड़ा गया, ऐसे जुमले को मुरक्कब मुतलक कहते हैं। जैसे यहाँ पर है घंटी बज रही थी और बच्चे स्कूल की जानिब दौड़ रहे थे, तो ये मुरक्कब यहाँ पर जो मुतलक है, यहाँ पर देखिए और हुर्फ अतफ है, ये हुर्फ अतफ दो जुमलों को मिला रहा है आपस में, मुन्नी गा रही थी और मुन्ना खेल रहा था, ये और दो जुमलों को हुर्फ अतब के जरिए एक जुमला मुकम्मिल कर रहा है। इसी के साथ है मुरक्कब मुतलक की चार किस्में हैं, एक है वसली, दूसरा है तरदीदी, तीसरा है इस्तदराकी और चौथा है सबीबी। वसली ऐसे जुमले जिनके दरमियान हुर्फ अतब होता है मगर जुमले के दोनों अज्जा एक दूसरे से ताल्लुक रखते हैं, इन जुमलों को वसली जुमला कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए शाहिद ने टिकट खरीदा और बस में सवार हुआ, प्रिंसिपल ने सारी जिंदगी तारीख पढ़ी और पढ़ाई, एक जुज दूसरे जुज से ताल्लुक रख रहा है, एक हिस्सा जुमले का दूसरे हिस्से से ताल्लुक रख रहा है। शाहिद ने टिकट खरीदा और बस में सवार हुआ, प्रिंसिपल ने सारी जिंदगी पढ़ी, तारीख पढ़ी और पढ़ाई, ताल्लुक कायम हो रहा है। दूसरा जो इसका है यहाँ पर किस्म, इसकी यहाँ पर मुरक्कब मुतलक की, वो है तरदीदी, ऐसा जुमला जिसमें एक जुज दूसरे जुज की जिद हो और दरमियान में हुर्फ तरदीद यानी वरना का इस्तेमाल किया जाए तो तरदीदी जुमला कहलाता है। जैसे मिसाल है भरत नारायण की दृष्टि का कमाल, वरना विद्या चिरंजी अंधे रह जाते, समझ कर पढ़ा करो वरना तुम फेल हो जाओगे। ये जो वरना है, ये वरना क्या कर रहा है यहाँ पर, तरदीद कर रहा है, समझ कर पढ़ा करो वरना तुम क्या करेंगे, फेल हो जाएंगे। फिर ये तीसरी देखिए इस्तेदरा की, ऐसा मुरक्कब जुमला जिसके दो हिस्से हो और माने के अतबार से दूसरा हिस्सा पहले हिस्से के खिलाफ हो या इसे महदूद करे या फिर इसकी तौसी करे, इसे इस्तेदरा की जुमला कहते हैं। जैसे यहाँ पर मिसाल दी जा रही है ये इमारत कदीम ही नहीं बल्कि मजबूत है, तो ये क्या कर रहा है, ये इसको कोई क्या कर रहा है, ये इमारत क्या कर रही है, कदीम ही नहीं है बल्कि क्या है, मजबूत है, इसे क्या कर रहा है, तौसी कर रहा है। वो किताबी कीड़ा था मगर हर सवाल का जवाब देना इसके बस की बात नहीं थी, इसके खिलाफ है, वो पढ़ता तो बहुत अच्छा था लेकिन हर सवाल का जवाब देना उसके बस की बात नहीं थी, उसके खिलाफ हो रही है। हम जी भर के सोना चाहते थे मगर लाला जी ने हमें सोने नहीं दिया, ये जुमला एक दूसरे जुमले को क्या कर रहा है, महदूद कर रहा है। इसके बाद है जुमले सभी भी, ऐसा मुरक्कब जुमला जिसके दूसरे हिस्से में सबब, वजह या नतीजे का जिक्र हो, इसे जुमले सभी भी कहते हैं। इसकी मिसाल देखिए, इसकी बात तो ठीक है मगर रवैया गलत है, गो कहने का अंदाज अच्छा है मगर आवाज उसकी बहुत खराब, भोंडी आवाज है। तो ऐसा मुरक्कब जुमला दूसरे हिस्से में सबब हो, वजह हो या नतीजा हो, उसे कहेंगे जुमले सभी भी। आखिरी है यहाँ पर एक देखिए, मुलतब जुमला ऐसा जुमला जिसका एक जुज असली और दूसरा इसके ताबे होता है, जबकि ताबे जुमला पढ़ा नहीं जाता, असली जुमले का मतलब वाजे होता है, जुमला मुलतब कहलाता है। जो जाफरान आपने खरीदा था वो कश्मीरी था, जो लतीफा आसिफ ने सुना वो गालिब का था। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, एक जुज असली और दूसरा इसके ताबे होता है, जब तक ताबे जुमला पढ़ा नहीं जाता इसका असली जुमले का मतलब वाजे नहीं होता। जो जाफरान आपने खरीदा था वो कश्मीरी था, तो यहाँ पर क्या हो रहा है मालूम है, असली जुमले की अहमियत बढ़ रही है, अरे वो जाफरान कश्मीर से लाए थे। एक है जो लतीफा आसिफ ने सुनाया वो उसका नहीं था, वो
गालिब का था मिर्जा, गालिब का था। तो ये क्या है मालूम है, एक जुज असली और दूसरा इसके ताबे होता है। जब तक ताबे जुमला पढ़ा नहीं जाता, असली जुमले का मतलब वाजे नहीं होता है, तो ये कवायद का हिस्सा यहाँ पर खत्म होता है। मैं फिर एक बार बता रहा हूँ उन तलबा व तालिबात को कि जो 100 नंबरात 100 निशानात हासिल करना चाहते हैं, वो कवायद को अच्छी तरीके से पढ़े, उसके छोटे छोटे नुकात पर, छोटे छोटे मिसालों पर, छोटे छोटे जुमलों पर गौर करें, तभी आप कवायद के वो नंबरात हासिल कर सकते हैं, वरना आप 100 नंबर से पीछे रह जाएंगे। इसलिए इस पर खास तवज्जो देने की जरूरत है। आइए अब हमारा जो सवाली पर्चा है उसका एक दूसरा जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे उस पर हम गौर करेंगे। यहाँ पर है, पहले दो लफ्जों की मुनासिबत से तीसरे लफ्ज का जोड़ लिखिए। ये 4 क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के, 4 क्वेश्चन यानी 4 नंबरात पे आते हैं। जैसे बर्बाद, आबाद, फना, डैश लिखना है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आए वक्त बर्बाद और आबाद का ताल्लुक देखेंगे। बर्बाद और आबाद आखिर है क्या, क्या मुतजाद अल्फाज हैं, क्या हम माने अल्फाज हैं, क्या खाफिया है, क्या रदीफ है, क्या वाहिद है, जमा है, मोनस है, मुजक्कर है, आखिर क्या है। जब तक आप इन दो लफ्जों को नहीं जानेंगे तब तक इसका आप नहीं करेंगे। जैसे बर्बाद, आबाद, आपको जब समझ में आ गया कि बर्बाद की जिद आबाद है, तब आप आगे का आंसर करेंगे कि फना की जिद क्या हो सकती है, बका हो सकती है। फिर देखिए दूसरा, हिदायत करने वाला हादी है तो जान कुर्बान करने वाला क्या होगा। हादी किसे कहेंगे पहले हमें यह जानना पड़ेगा। हिदायत करने वाले को हादी कहेंगे तो जान कुर्बान करने वाले को क्या कहेंगे, जाबाज कहेंगे। फिर तीसरा है, ला इल्म साबिखा दवाखाना क्या हो सकता है, दवाखाना क्या हो सकता है, अगर ला इल्म साबिखा है तो दवाखाना लाहिका हो सकता है, कारखाना, दवाखाना, ये क्या है, लाहिका है। जौहर, जवाहिर, ये कौन से लफ्ज हैं, मुतजात हैं, वाहिद हैं, जमा हैं, मोनस है, मुजक्कर है, आखिर ये कौन सा लफ्ज है। जौहर, जवाहिर, जौहर है वाहिद, उसकी जमा है जवाहिर, तो रुकन की जमा क्या होंगे, अरकान होंगे, अराकीन होंगे, तो यहां पर क्या है उसको हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर पहले दो लफ्जों की मुनासिबत से तीसरे लफ्ज का जोड़ लिखने का ये हिस्सा यहाँ पर मुकम्मिल होता है। इसके बाद हमारा सबक, हमारा सवाली पर्चा आगे बढ़ता है। दर्ज झल सवाल के जवाब एक जुमले में लिखिए। ये टोटल होते हैं 7 सवाल होते हैं 1 नंबर के, इस पर आपको 7 नंबर मिलते हैं। यहाँ पर जितना पूछा जाता है आपको उतना ही जवाब देना चाहिए। आप गैर जरूरी जवाब लंबा बड़ा चौड़ा करते लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर हज्जतुल विदा के मौके पर मुसलमानों की तादाद कितनी थी, तो आप लोग लिखेंगे 1 लाख, 1 लाख ठीक है, 1 लाख, लेकिन मुकम्मल जुमले में जवाब देना चाहिए। हज्जतुल विदा के मौके पर मुसलमानों की तादाद 1 लाख थी। यहाँ पर आप क्या चेंज कर रहे हैं, सवाल जैसे का वैसा है, कितनी, कितनी की जगह क्या लिख रही है, 1 लाख। सिर्फ एक या दो लफ्ज, सवाल जैसे का वैसा रहता है, सिर्फ एक दो लफ्ज को आगे पीछे करके लिख देंगे आप, सही लफ्ज लिखेंगे उसकी जगह निकाल कर, तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ये 7 क्वेश्चन होते हैं, इस तरीके से आप 7 नंबर हासिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है, रघुपति सहाय फिराक यूनिवर्सिटी में कौन सा मजमून पढ़ाया करते थे, रघुपति सहाय फिराक यूनिवर्सिटी में कौन सा की जगह, इंग्लिश या अंग्रेजी मजमून पढ़ाया करते थे। इस तरीके से है, आंखें किसने दान की थी, आंखें किसने, किसने की जगह क्या आएगा, भरत नारायण जी, भरत नारायण जी ने दान की थी। ये इस तरीके से जवाब देना है आपको, बिल्कुल मुख्तसर है। मैं फिर एक बार कह रहा हूं आपको, उन तलबा व तालबात को जो इन छोटी छोटी बातों पर तवज्जो नहीं देते हैं, आमतौर पर जितना पूछा जाता है 1 मार्क्स के लिए आपको उतना ही जवाब देना है। गैर जरूरी तौर पर जवाब को बढ़ा करके लिखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जितना पूछा जा रहा है उतना जवाब दीजिए, और वह जवाब बिल्कुल मुख्तसर होता है, एक दो उसमें सिर्फ एक दो लफ्ज को निकालना रहता है, और दो लफ्ज तो अपने लफ्ज जवाब के लफ्ज उसमें ऐड करके वो जवाब को मुकम्मल करना रहता है। इसलिए आप कोशिश करें कि जितना आपसे पूछा जाए आप उतना ही जवाब दे। इस तरीके से ये 1 मार्क्स के जवाब 7 मार्क्स के यहाँ पर मुकम्मल होता है। फिर इसके बाद ये है,
2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन, ये बहुत बड़ा हिस्सा है। यहाँ पर आपको बहुत सारे नंबरात मिलते हैं, 20 नंबर मैं भी शुरुआत में बता चुका हूँ। 3 मार्क्स के और 2 मार्क्स के क्वेश्चन से आपके सवाली पर्चे के आधे नंबरात उसमें कवर होते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस के पर आप ज़्यादा, इन सवालात पर आप ज़्यादा तवज्जो दीजिए। वो जैसे ये सवालात वही हैं जो आप अजबाक में पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा अपने जहन पर जोर डाले और वो उसे अच्छी तरीके से लिखे। वो 2 मार्क्स के सवालात पे तवज्जो दीजिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबरात हासिल होते हैं। जैसे यहाँ पर है ग़ुलाम और ख़ुद्दाम के हुस्ने सलूक के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, खाजी अब्दुल वदीद ने कमला नेहरू के उर्दू शगफ के बारे में क्या कहा, भरत नारायण जी की रूह क्यों मुस्कुरा रही थी, विद्याचरण जी कौन थे और उनका कारनामा क्या था, अमीर खुसरो को कौमी यकजहती का पैगंबर क्यों कहा जाता है, हुजूर सल्लम की आमद से कबल दुनिया का क्या आलम था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आते ही शायर क्या महसूस करता है, शायर बचपन के बहलावे की बातों को हसीन झूठ क्यों कहता है, सरदों का जाल नजम में शायर क्या कहना चाहता है, शाह अजीम आबादी अपनी रुबाई में जमाने की गर्दिश के बारे में क्या कहते हैं। तो 2 मार्क्स के जो सवाल होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा अजबाक से आते हैं, हिस्से नसर से आते हैं, फिर इसके बाद में हिस्से नजम से आते हैं, एक आध क्वेश्चन रुबाई से आ सकता है। फिर एक बार मैं दोहरा रहा हूँ, 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस जो हैं, 10 सवाल जो हैं, हिस्से नसर से आते हैं ज्यादा, हिस्से नजम से आते हैं, फिर रुबाई से आता है। रुबाई क्योंकि हमारे पास रुबाई के ज्यादा सवाल नहीं है, उसमें से अब तो सिर्फ 2 ही रुबाई है हमारे पास, उसमें से कोई एक सवाल आ सकता है। इस तरीके से आपको 20 मार्क्स हासिल होंगे। यहाँ पर है 3 मार्क्स, ये एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है सवाली पर्चे का। 3 मार्क्स इसके मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूँ, 11 क्वेश्चंस रहेंगे, जुमला निशानात जुमला नंबर बनते हैं, 11 सवालात के 33 नंबर बनते हैं। तो यहाँ पर जो पहला हिस्सा रहेगा, मतन के हवाले से जुमलों की वजाहत कीजिए। यहाँ पर देखिए, ये 3 मार्क्स के मतन के हवाले 3 क्वेश्चन आएंगे, इस तरीके से ये नौ नंबर बनते हैं। 3-3 मार्क्स के 3 मतन के हवाले आएंगे। जैसे यहाँ पर है, जो यहाँ मौजूद है वो इस पैगाम को उस तक पहुँचा दे जो यहाँ नहीं, उर्दू या हिंदी के खतूत सेंसर वाले रोक लेते हैं, भाइयों हम माजी के खंडरों में तारीख के आसार देख रहे हैं, इसको किस तरीके से लिखना चाहिए। आप मतन के हवाले जब सवाल हल कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लिखना चाहिए ये इबारत, मिसाल के तौर पर मैं एक मतन के हवाले का यहाँ पर करूँगा, उसको किस तरीके से वजाहत करना चाहिए। जैसे किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई बड़ाई नहीं है, ये इबारत सबक हज्जतुल विदा से ली गई है, इसके मुसन्निफ सैयद सुलेमान नदवी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान अरफात में खुतबे हज्जतुल विदा इरशाद फरमाते हुए एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के ऊपर जो फौकियत बताते हुए जुमला कहा कि किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई बड़ाई नहीं है, ना किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई बड़ाई है, इस तरीके से लिखना चाहिए। मतन के हवाले में सबसे पहले किस सबक से ये लिया गया है जुमला, उस सबक के मुसन्निफ का नाम क्या है और किसने किससे क्यों कहा, इस तरीके से आप जब लिखेंगे तो आपको यहाँ पर मुकम्मल 3 मार्क्स मिलेंगे। तो हमारी किताब में ये 5 सबक है जहाँ से मतन के हवाले जात के क्वेश्चन आ सकते हैं। हज्जतुल विदायक सबक, बदायूं के शाम व शहर दूसरा लेसन है, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू की उर्दू दोस्ती, चौथा है दृष्टि, पांचवा है सवेरे जो कल आँख मेरी खुली। इन 5 सबकों से मतन के हवाले के सवाल आ सकते हैं, बहुत आसान है, बहुत इजी है। आप जब क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको ये गौर करना चाहिए कि ये जो मतन के हवाले का जुमला आया है ये कौन से सबक से लिया गया है, इसके मुसन्निफ कौन है और किसने किससे क्यों कहा है। अगर आप इतना लिख देंगे तो आपको इसके 3 मार्क्स मुकम्मल मिलेंगे। इस तरीके से 3 या 9 9 नंबरात आपको हासिल हो जाएंगे और ये 5 असबाक से मतन के हवाले आ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक मिसाल दिया हूँ, हम कहेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा का पैगाम पहुंचा दिया और अपना फर्ज अदा कर दिया, इसको आप क्या करना है, तशरीह करना है, बहवाले वतन वजाहत करना है इस जुमले को। इस तरीके से ये जुमला सबक हज्जतुल विदा से लिया गया है, इसके मुसन्निफ सैयद सुलेमान नदवी है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान अरफात में खुतबे हज्जतुल विदा के बाद मजमू से सवाल किया कि तुमसे खुदा के हाँ मेरी निस्बत पूछा जाएगा तो तुम क्या जवाब दोगे, तो 1 लाख जबानों ने
एक साथ ये गवाही दी। इस तरीके से मतन के हवाले की वजाहत होती है और आप 3 मार्क्स आपको आसानी से मिलते हैं। अब यहां पर उसका दूसरा हिस्सा है 3 मार्क्स का, दर्ज ज़ैल नसर निगार का तारुफ लिखिए। अब तक जो हम देखे हैं आमतौर पर एक सवाली पर्चे में आया है मोहम्मद रफी अंसारी और दूसरा है मीर अनीस, लेकिन चूंकि अब नीला खाका नहीं है, नीले खाके के मुताबिक सवालात नहीं आ रहे हैं। पूरी किताब पढ़ने के लिए बोर्ड ने कहा है हमें पूरी किताब पढ़ने हैं, तो हम एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि ये सबक का तारुफ जो आएगा मुसन्निफ का या शायर का जो तारुफ आएगा इसी सबक से आएगा, लेकिन पहले आप ये कोशिश कीजिए कि सबसे पहले अदा जाफरी है, मोहम्मद रफ़ी अंसारी है, मीर अनीस है, माहिरुल कादरी है, जो पिछले सवाले पर्चों में जिनका तारुफ पूछा गया है पहले सबसे पहले आप उन्हें याद कीजिए, फिर दूसरे शोरा व मुसन्निफिन का तारुफ याद रखिए। तारुफ किस तरीके से लिखेंगे आप? सबसे पहले नाम लिखेंगे उनका, अगर वो शायर हैं तो क्या तखल्लुस है वो लिखेंगे, या फिर मुसन्निफ है तो उनका कलमी नाम लिखेंगे, पैदाइश लिखेंगे, आप उनके तालीम लिखेंगे, मुलाजिमत लिखेंगे, उनके तसानीफ लिखेंगे मुसन्निफ के, अगर शायर है तो उनके मजमू कलाम लिखेंगे। इसी तरीके से उन्हें जो अवार्ड दिए गए हैं उसके मुताबिक उनके एजाज व इनाम जो दिया गया है, इस तरीके से उनका मुकम्मल तारुफ यहाँ पर पेश होगा। उस आपको 3 मार्क्स हासिल हो जाएंगे, इसको आप आसान तरीके से लिखेंगे। इसी के बाद इसका दूसरा हिस्सा है दर्ज ज़ैल अशआर की तशरीह कीजिए। ये भी क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं। तीन तिया नौ, तीन शेर रहते हैं और सिर्फ शेर जो होते हैं गजलों से होते हैं, उन्हें आपको पहले शेर को पढ़ना है और पहचानना है कि ये कौन सी गजल में से ये शेर आया है। आप जब अशार की तशरीह करेंगे तो आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं कि शायर का नाम भूल जाते हैं और इस शेर में शायर कह रहा है बोलकर अपने अल्फाज में उसकी तशरीह कर देते हैं। ठीक है, ऐसा चलेगा, लेकिन आपको मुकम्मल 3 नंबर नहीं मिलेंगे, वहां पर आपका एक नंबर कट जाएगा और सिर्फ आपको 2 नंबर हासिल होंगे। इसलिए आप ये जहन नशीन कीजिए कि आपको ये याद रहना चाहिए कि आपके इसमें आपके किताब में 6 गजलें हैं, 6 से 7 गजलें, उसका अच्छी तरीके से पढ़िए कौन सा शेर कौन से शायर का है। अगर आपको मालूम हो जाए, आप नाम के साथ अगर लिख दे तो आपको पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे। जैसे मिर्जा गालिब का शेर है, अगर कोई बुरा कहे तो बुरा ना सुनो, हाँ कोई बुरा काम कहने के लिए तो इस तरीके से आपको अशार की तशरीह करना है। पहले वो सिर्फ अशार की तशरीह गजलों से आती है और दूसरे नज्मों से वो नहीं आती है। फिर इसका में ये 3 मार्क्स का एक हिस्सा है, यहाँ पर है दर्ज ज़ैल साबिकों की मदद से एक एक मुरक्कब लफ्ज बनाइए। जैसे बे, यहाँ पर है बे, बे के इसमें हम बना सकते हैं बे लाख, बे साख्ता या बे बाक, एक मुरक्कब लफ्ज हो गया। पुर का है पुरनम, ला ला शरीक या ला जवाब, मुरक्कब लफ्ज बनाना है, एक मुरक्कब लफ्ज बनाना है। दर्ज ज़ैल साबिकों की मदद से एक मुरक्कब लफ्ज बनाइए, ये साबिक है उनके आगे एक लफ्ज बनाइए, एक मुरक्कब जुमला बन जाएगा। आमतौर पर ये जो क्वेश्चन आ रहा है 36वां क्वेश्चन, यहाँ पर कभी जुमलों में इस्तेमाल करने के लिए 2-4 लफ्ज 3 लफ्ज दिए जा रहे हैं, उनको आपको जुमलों में इस्तेमाल करना है। जैसे बहुत सारे बच्चों ने ये सवाल किया था कि अकीदा, अकीदे को किस तरीके से हम जुमले में इस्तेमाल करें, तो हम आपको ये जहन नशीन रखना चाहिए कि हमारी किताब में लफ्ज मौजूद है, दृष्टि में हम पढ़ चुके हैं अकीदा। जैके भरत नारायण जी का अकीदा ये था कि दुनिया के तमाम मजाहिब में खुदा एक होने का अकीदा मौजूद है। आप इसको सोचिए ये कि अकीदा कहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है दुनिया, तो वहां पर आप जुमले में इस्तेमाल कीजिए, आसान से जुमले में इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चंस तब्दील हो रहे हैं, 36वां जो क्वेश्चन है तब्दील हो रहा है, कभी यहाँ पर 3 जुमले दे रहे, 3 लफ्ज दिया जा रहा है और उसको जुमलों में इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है, कभी साबिके दिए जा रहे हैं, कभी यहाँ पर एक गिरोह बनाया जा रहा है और उसमें से जो गलत लफ्ज है उसको निकालने के लिए कहा जा रहा है। आमतौर पर यहाँ पर आपको टैलेंट को जांचा जा रहा है इस क्वेश्चन के जरिए, तो वो तलबा व तालिबात जो 100 नंबरात के लिए कोशिश कर रहे हैं
यहाँ बहुत तवज्जो देने की जरूरत है। अगर आपकी थोड़ी सी गलती आपको 3 नंबर से महरूम कर सकती है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। या तो जुमले में इस्तेमाल आएगा या साबिक़े आएगा, या फिर हो सकता है कि लाहिक़े के बारे में लिखने के लिए आएगा। उस तरीके से आप साबिक़े लाहिक़े को देख लीजिए, जुमलों में इस्तेमाल करने को देख लीजिए, और गिरोह में किस तरीके से 3-4 अगर लफ्ज़ है तो उसमें से कौन सा एक गलत लफ्ज़ है उसकी निशानदेही करने का क्वेश्चन आएगा, उसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, आसानी के साथ आपको 3 नंबर हासिल हो सकते हैं। इसी के साथ है यहाँ पर असनाफ नसर है। यहाँ पर नसर के अंदर ये भी बड़ा एक अहम है, इसको आप मैं यहाँ पर बोलता चलूँ कि खुदनविश्त है, मज़मून है, अफसाना है। इनकी आप इनकी जो है तारीफ याद रखिए, मज़मून किसे कहते हैं, खुदनविश किसे कहते हैं, अफसाना किसे कहते हैं। उसी के साथ है असनाफ नज़म है, हम्द की तारीफ याद रहना आपको, नात की याद रहना, गज़ल की, रुबाई की, मर्सिया की। आमतौर पर यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, आम तौर पर यहाँ से एक क्वेश्चन किसी हाल आएगा तो आपको 3 नंबर हासिल होंगे। इनकी तारीफ आपको याद रहना जरूरी है, तभी आप 3 नंबर ले सकते हैं। इसके बाद में है यहाँ पर सनत, जो आम तौर पर हमारे गजलों में इस्तेमाल हुई हैं, जैसे है सनत तशबिया है, सनत तलमी है, सनत तजात है, सनत इस्तियारा है, सनत तकरार है। कोई शेर दे सकता है और उसमें बोल सकता है कि ये इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है, उसका तारुफ वो लिखिए। मैं फिर इस तरीके से भी दे सकता है क्वेश्चन, सनत तजात किसे कहते हैं, मिसाल के साथ लिखिए। तो उस वक्त आप सनत को भी याद करना, उसकी तारीफ भी याद करना पड़ेगा और उसकी मिसाल भी याद करना पड़ेगा, तभी आपको 3 नंबर हासिल होंगे। जैसे सनत तजाद, ऐसा शेर जिसमें मुतजाद अल्फाज इस्तेमाल होते हो उसे सनत तजाद कहते हैं। उसके साथ एक शेर आप मिसाल में लिखिए तो आपको मुकम्मल 3 नंबर हासिल होंगे। अब यहाँ पर है तफसीली जवाबात, ये सबसे अहम मरहला है। यहाँ पर किसी भी बच्चे का 1 नंबर भी जाया नहीं होना चाहिए, वो इसलिए कि सिर्फ 4 क्वेश्चंस है। आमतौर पर यहाँ पर मुतबादिल के तौर पर दूसरा क्वेश्चन भी दिया जा रहा है और में दिया जा रहा है, 2 में से 1 क्वेश्चन करना है। जैसे यहाँ पर 39वां क्वेश्चन है, अपनी निसाबी किताब से डॉक्टर सुगरा आलम की लिखी हम के कोई 4 अशार जबानी लिखिए, हमद और नात। जब आप याद करेंगे अच्छी तरीके से तो उसके 4 अशार याद कीजिए। 4 अशार यानी 8 लाइन, 8 मिसरे। बाज ने 4 अशार को यह कन्फ्यूज कर रही है, बाज तलबा और तलबात के सिर्फ उसके 4 मिसरे लिख रहे हैं और उसको 4 शेर समझ रहे हैं। एक शेर 2 मिसरों का होता है, तो 4 शेर यानी 8 मिसरे, 8 लाइन। हमद भी याद कीजिए, नात भी याद कीजिए, जरूर ये एग्जाम में आएगा और उससे आपको 4 नंबर हासिल होंगे। फिर यहाँ पर आ गया है हम्द भी पूछा गया है और नाद भी। फिर 40वां क्वेश्चन है, किसी एक नज्म का खुलासा लिखिए, जैसे जुगनू मर्सिया। खुलासे टोटल हमारी जो किताब में है 4 खुलासे हैं, एक है जुगनू नज्म का खुलासा, दूसरा है मर्सिया का खुलासा, तीसरा है सरौदों का जाल, चौथा है रिश्वत। तो जुगनू और रिश्वत का सबसे पहले खुलासा याद रखिए, यहाँ से आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। इंशाल्लाह ये भी क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा, आप इसको अच्छी तरीके से जहन नशीन करें कि खुलासा मुकम्मल लिखे, ज्यादा से ज्यादा अच्छा अंदाज में लिखिए ताकि आपको मुकम्मल तौर पर 4 नंबर हासिल हो सके। 41 क्वेश्चन है, 41वां क्वेश्चन है, मैदान अरफात में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्न मुआशरत से मुतालिक क्या इरशाद फरमाया। ये 41 जो क्वेश्चन है ये वाहिद क्वेश्चन है, यहाँ पर या का क्वेश्चन नहीं है, ये एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जिसको आपको कंपल्सरी करना है, तो इसलिए आपको तफसीली जवाबात के ऊपर तो खास तवज्जो देने की जरूरत है ताकि ये 41वां क्वेश्चन आपका ना छूटे और इस सवाल का जवाब देते हुए आप अपने नंबरात को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके। 42वां हमारा सवाल है, अमीर खुसरो की शायराना और फनकाराना सलाहियतों के बारे में आप क्या जानते हैं, या विद्या चरण जी ने ऑपरेशन के बाद की तखीर में भरत नारायण से मुतालिक क्या कहा। यहाँ पर भी या में क्वेश्चन आया है, तो इस तरीके से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 4 क्वेश्चन के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसमें आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन करना है तो आपको मुकम्मल 16 नंबर हासिल होंगे। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि हज्जतुल विदा सबक से और जुगनू रिश्वत का खुलासा,
अमीर खुसरो की सबक से तफसीली जवाब, फिर इसके बाद में दृष्टि है यहाँ से बदायूं के शाम व शहर से तफसीली जवाब ज्यादा से ज्यादा याद कीजिए ताकि आपको मुकम्मल 16 नंबरात हासिल हो जाए। और एक अहम क्वेश्चन है वो भी 4 नंबर पर है, एक इबारत दी जा रही है, इबारत से मुतालिक सिर्फ दो सवाल आसान तरीके से किए जा रहे हैं और उससे आपको 4 नंबर मिल रहे हैं। इबारत पढ़ना है, जवाब उसी में मौजूद है, सिर्फ सवाल को आप पढ़ना है और समझना है और जवाब को निशानदेही करना है। जैसे यहाँ पर एक इबारत लिखी गई है, मैं इसे पढ़ता हूँ, देखिए। अलबेरूनी का पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अलबेरूनी है। अलबेरूनी एक मुफक्किर, मौरख, सयाह, जोग्राफियादान, माहिर लिसानियात, रियाजीदान, माहिर नुजूम, माहिर फलकियात, माहिर तबियात, माहिर मादनियात, फलसफी और शायर थे। इनकी मादरी जबान फारसी थी। अलबेरूनी 17 साल की उम्र में ही कई साइंसी तजुर्बे किए और फलकियात और रियाजी में महारत हासिल कर ली। आपकी काबिलियत व सलाहियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सुल्तान महमूद गजनवी ने जब ख्वारज्म फतेह किया तो अलबेरूनी को एक अपने साथ लिया। सुल्तान महमूद गजनवी ने जब हिंदुस्तान फतेह किया तो अलबेरूनी को हिंदुस्तान में दाखिल होने का एक सुनहरा मौका मिल गया। यहाँ उन्होंने हिंदुस्तानी जबानों, तमद्दुन, तमज़ाहे, फलसफा वगैरह का नहायत बारीक बिनी से मुताल्लिया किया। अलबेरूनी ने तकरीबन 146 किताबें तसनीफ की हैं। अलबेरूनी से मुताल्लिक एक जर्मन मुफक्किर का कौल है कि इनकी तसानीफ में इनकी तख्लीक का दायरा इतना वसी है कि इनके बयानात के लिए कई नस्लें दरकार हैं। अब ये टोटल इबारत है, यहाँ से दो मुख्तसर क्वेश्चन सिर्फ किए जा रहे हैं, जवाब इसी में मौजूद है, आपको फाइंड करना है, ढूंढना है, लिखना है, 4 नंबर हासिल होंगे। जैसे अलबेरूनी कौन थे, अलबेरूनी एक मुफक्किर, मौरख, सयाह, जोग्राफियादान, माहिर लिसानियात, रियाजीदान, माहिर नजूम, माहिर फलकियात, माहिर तबियात, माहिर मादनियात, फलसफी और शायर थे। दूसरा क्वेश्चन है, अलबेरूनी किसके हमरा हिंदुस्तान आए, किसके हमरा हिंदुस्तान आए, महमूद गजनवी के हमरा हिंदुस्तान आए, यहाँ इन्हें क्या फ़ायदा पहुँचा, यहाँ उन्होंने हिंदुस्तानी जबानों, तमद्दनों, तह मज़ाहिब, फ़लसफ़ा वगैरह का नहायत बारीक बिनी से मुताल्लिया किया, इन्हें ये फ़ायदा पहुँचा। जवाब मौजूद है, क्वेश्चन यहाँ पर है, इस तरीके से ये हो रहा है। हो गया आखिरी हिस्सा, बिल्कुल आखिरी हिस्से में पहुंचे हैं, बिल्कुल अहम क्वेश्चन है यहाँ पर। इसी के साथ देखिए, खत के अज्जाए तरकीबी के लिहाज रखते हुए दर्जे ज़ैल खतूत में से कोई एक खत लिखिए। 44वां क्वेश्चन है, दो खत दिए जा रहे हैं। पहला है, अपने दोस्त या सहेली के नाम खत लिखिए जिसमें सालाना इम्तिहान की तैयारी का जिक्र हो, या अपने मीर मुदर्रिस के नाम एक खत तहरीर कीजिए जिसमें कोई वजह बताकर 2 दिन की छुट्टी तलब की गई हो। ये खत है, यहाँ पर दो खत दिया जाता है, उसमें से आपको एक खत करना है, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों से कहूँगा कि आप 3 खत की प्रैक्टिस कीजिए। आपका ये 3 खत कौन कौन से हैं, अपने वालिद के नाम एक खत लिखने की जो है उसका अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए, दूसरा है अपने दोस्त अगर लड़की है तो अपने सहेली के नाम, और तीसरा है आपके स्कूल के मौलिम यानी टीचर या फिर सदर मौलिम कहते हैं हेड मास्टर को, अगर लेडी टीचर है, हेड मिस्ट्रेस है तो सदर मौलिमा, ये 3 लेटर की आप अच्छी तरीके से क्या है कोशिश कीजिए लिखने की, आपको पूरे 5 नंबरात हासिल होंगे। एक अपने वालिद के नाम, दूसरा है आपके दोस्त के नाम, और तीसरा है आपके मुल्लिम के नाम। 3 खत में से जरूर ब जरूर 2 खत आपको इम्तिहान में आएंगे, इससे पूरे 5 नंबर आपको हासिल होंगे। आखिरी है, किसी उनवान पर तफसीली मज़मून लिखिए। COVID-19 की वबा की तबाहकारियां, सोशल मीडिया, समाजी रबते के फ़ायदे और नुकसानात। फिर उसी के साथ मैं यहां पर ऐड करा हूं, COVID-19 और तलबा की तालीम पर इसके असरात, ऑनलाइन क्लास, फ़ायदे व नुकसानात, मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे व नुकसानात। ये 5 मज़मून बड़े अहम हैं, आपको मज़मून किस तरीके से लिखना है यहाँ पर बताया गया है। मज़मून में सबसे पहले आपको तमहीद, तमहीद, नफ्स मज़मून, खातिमा, यानि आप मज़मून लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप कोशिश करना चाहिए कि ऊपर से मज़मून लिखे, 3 पैराग्राफ बनाइए। तमहीद का जो हिस्सा होता है बिल्कुल मुख्तसर होता है, छोटा सा पैराग्राफ,
बीच का हिस्सा होता है नफ्स मजमून, यहाँ पर आपको वो मजमून के मुतालिक तमाम तर चीज़ें लिखना है। तीसरा जो हिस्सा होता है वो है खातिमा। तीन पैराग्राफ में आपको अपना मजमून मुकम्मिल करना है, तब आपको पूरे 5 नंबर हासिल होंगे। आमतौर पर यहाँ पर तलबा क्या करते हैं कि मजमून तो पूरा लिख देते हैं, लेकिन ये पैराग्राफ का तमीद, नफ्स मजमून और खात्मे का अहतमाम ये नहीं करते, इसके मुताबिक नहीं लिखते, इसलिए यहाँ पर आपके नंबर कट सकते हैं। तो जब आप मजमून लिखेंगे तो ये एक पैराग्राफ बनाएंगे तमहीद का, दूसरा पैराग्राफ बीच का जो हिस्सा होगा बड़ा पैराग्राफ वो होगा नफ्स मजमून का, जिसे रीढ़ की हड्डी भी कहा गया है, और तीसरा जो पैराग्राफ होता है वो खात्मा। इसी के साथ यहाँ पर आपका सवाली पर्चा मुकम्मिल होता है और आप 100 नंबरात आसानी के साथ ले सकते हैं। मैं जहाँ जहाँ पर भी अहम क्वेश्चंस आए हैं वहाँ पर आपको बताया गया हूँ, फिर एक बार मैं दोहरा रहा हूँ, जो तलबा व तालिबा 100 नंबर तक पहुँचना चाहते हैं वो कवायद को अच्छी तरीके से पढ़े, छोटे छोटे एक एक मार्क्स के नंबरात के क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे, ताकि आपके एक एक नंबरात कट जाए। अगर आप मल्टी भी मारूजी क्वेश्चंस को अगर आप गलती करें तो वहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं होती है पेपर चेक करने वाले को कि आपको एक मार्क्स दे, सीधा आपका नंबर कट हो जाता है। इसलिए आप रॉन्ग ऑप्शन को कभी भी क्लिक नहीं करना, कभी भी आप रॉन्ग आंसर नहीं लिखना चाहिए, बल्कि गौर कीजिए, फिक्र कीजिए और सही तरीके से लिखे, तो आपको आपको मुकम्मल तौर पर एक मार्क एक नंबर हासिल हो जाए। ये छोटे छोटे एक नंबर से तलबा के 100 नंबर तक नहीं पहुंच पाते हैं। 100 नंबर तक पहुंचने का यही तरीका है कि आप छोटे छोटे नंबरात जो एक एक नंबर के सवाल आ रहे हैं उसके ऊपर तवज्जो दे, ताकि आपको 100 नंबरात हासिल हो जाए। और जो तलबा 60 से 70 नंबर तक पहुंचना चाहते हैं, उनको बहुत बार दिख रहा है कि 100 नंबर हम नहीं ले सकते, आप ले सकते हैं, आप जरूर ले सकते हैं, आप पहुँच सकते हैं। आपको तफसीली सवालात हैं, 5 सवालात हैं जो 20 नंबर हो रहे हैं, खत है 5 नंबर हो रहा है, इसी के तरीके से आपको मजमून है 5 नंबर हो रहा है, 30 नंबर यहाँ पर हो गए, फिर आपको 1 नंबर के सवालात है जो बिल्कुल आसान रहते हैं, सिर्फ एक या दो लफ्ज़ हो रहे हैं, 37 नंबर हो गए इस तरीके से, फिर आपके पास मदन के हवाले हैं 3 नंबर, 9 नंबर हो जाते हैं, तो यहाँ पर 9 नंबर हो जाएंगे तो 46 नंबर हो गए। इसी के साथ दो तारुफ है, तो तारुफ आप जब लिखेंगे तो 52 नंबर हो गए। तो इस तरीके से आप आसानी के साथ 50-60 नंबर तक हर तालिब इल्म पहुंच सकता है और अपना पर्चा आसानी के साथ हल कर सकता है। आज के इस वेबिनार में मैं आप तमाम तलबा व तालबात का जो इसे ऑनलाइन तरीके से देख रहे हैं उनका मैं मशकूर व ममनून हूं, और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ विजडम इदारा जात के फाउंडर प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद आसिफुद्दीन साहब का कि वो ऐसे हालात में एक वेबिनार्स रखे हैं और तमाम मजामीन के रखे हैं। हालांकि उर्दू के लिए फर्स्ट लैंग्वेज के लिए भी वेबिनार रखे हैं और उर्दू थर्ड लैंग्वेज के लिए भी वेबिनार रखे हैं, इसी के साथ वो इंग्लिश के लिए, इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज के लिए भी रखे हैं, थर्ड लैंग्वेज के लिए भी रखे हैं। ऐसा कोई मजमून नहीं छोड़े जिससे बच्चा रह जाए, बल्कि तमाम बच्चों को मद्देनजर रखते हुए तमाम कर्नाटक के तलबा व तालबात इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, मुस्तफिद हो सकते हैं और अपने नंबरात आसानी के साथ 100 नंबरात हासिल कर सकते हैं। आपका रिजल्ट इंशाल्लाह बहुत अच्छा आएगा, हमारी नेक ख्वाहिशात है विजडम इदारा जात की, नेक ख्वाहिशात हमेशा अपने तलबा व तालबात के साथ रहे हैं। इनमें जनाब आसिफ साहब का शुक्रिया के साथ आज के इस वेबिनार का इख्तिताम करता हूँ, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।
आयशा रिजवाना है और मैंने बीएड और एमए के तालीम हासिल की है। मैं जनाब मोहम्मद आसिफुद्दीन सर, सेक्रेटरी विजडम इदारा जात, और जनाब मोहम्मद सलाउद्दीन फरहान सर, ज्वाइंट सेक्रेटरी विजडम इदारा जात, और जनाबा बुशरा जमाल मैडम साहिबा ट्रस्टी मैडम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे आज इस ऑनलाइन क्लास को लेने का मौका फराहम किया। मैं पिछले 15 साल से दर्स व तदरीस के पेशे से वाबस्ता हूँ और विजडम इदारा जात में एक सदर मौलिमा और शोबे उर्दू की सदर की हैसियत से पिछले 6 साल से काम कर रही हूँ। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी महसूस हो रही है कि विजडम इदारा जात एक ऐसा इदारा है जहाँ पर ना सिर्फ इंग्लिश को तरजीह दी जाती है, कन्नड़ा को तरजीह दी जाती है, उसके साथ साथ हिंदी और उर्दू जबान को भी तरजीह दी जाती है। और मुझे ये बताते हुए भी बेहद खुशी महसूस हो रही है कि थर्ड लैंग्वेज उर्दू में पिछले 6 साल से हर साल 2 से ज़ायद तुलबा 100 में से 100 नंबरात हासिल कर चुके हैं। और ये एक बेहद मसरत और खुशी की बात है कि इंग्लिश मीडियम के तुलबा व तालिबात होते हुए भी उर्दू जबान में 100 में से 100 नंबरात हासिल करते आ रहे हैं। तो अब मैं मेरी इस ऑनलाइन क्लास को स्टार्ट करते हुए आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आज बहुत सारे तुलबा व तालिबात रात दिन मेहनत करने के बाद भी और याद करने के बावजूद भी इस याद ना कर पा रहे हैं और भूल जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम तमाम असबाक को मुकम्मल याद करने की फिक्र में उन चुनिंदा सवालात और जवाबात को भूल जाते हैं जिनको हम याद करने से अच्छे नंबरात हासिल कर सकते हैं। जिन तलबा व तलबात को याद करने में मुश्किलात दरपेश आती हैं वो चंद चुनिंदा मॉडल पेपर्स और प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को इकट्ठा कर पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं और उसमें दोबारा बार बार दोहराए जाने वाले सवालात की निशानदही करके उनको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए इंशाल्लाह इस क्लास के बाद हम जो है सना कुछ ना कुछ यहाँ से सीखेंगे। सही है फिर। पहले सबसे पहले हम आएंगे हमारे फहरिस्ते मजामीन की तरफ। जैसा कि थर्ड लैंग्वेज उर्दू के लिए जुमला 20 असबाक दिए गए हैं जिनको असबाक बताए गए हैं, लेकिन कोविड 19 के चलते हुए चंद महीनों की तालीम की खराबी की वजह से जो है ना गवर्नमेंट ने कुछ असबाक को हजफ कर दिया गया है, यानी कि मुकम्मल तौर पर रिड्यूस कर दिया गया है। वो असबाक दर्जे जैल हैं। इन असबाक में से जुमला 20 असबाक में से जो है ना गवर्नमेंट ने इस सबक को इस साल मुकम्मल तौर पर हजफ कर दिया है। मौकों की अदम दस्तियाबी की वजह से तारीखी शहर कलबुर्गी को मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। इसके बाद आता है दूसरा सबक जो है नैनो टेक्नोलॉजी। इस सबक को भी मुकम्मल तौर पर हजफ कर दिया गया है। और यहाँ पर है जहाने इल्मो फन के राही प्रोफेसर राही कुरैशी, इस सबक को भी मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया है। तलवार की
मेहनत को देखते हुए और जो रुकावटें दरपेश आई हैं उन तमाम को देखते हुए इन चार असबाह को मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया है, खाके वतन और खुने शहीदान। रुबाइयात में से अकबर इलाहाबादी की रुबाई मौजूद है, अता कल्याणवी की रुबाई मौजूद है, फिराक गोरखपुरी की रुबाई को मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया है ताकि तुलबा व तालिबात को पढ़ने और याद करने में आसानी हो जाए। अब यहाँ पर हमारे 20 में से चार असबाक हटा देने के बाद बचते हैं 16। उन असबाक की जो है ना यहाँ पर बताया जाएगा कि किन असबाक की प्रैक्टिस ज्यादा करें और किन की तरफ ज्यादा तवज्जो दें ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। यहाँ पर सबसे पहले आता है थर्ड लैंग्वेज का मॉडल पेपर, यहाँ पर एक मैं ली हूँ ताकि आपको आगाह कर सकूँ कि किसकी तरफ ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए और किसकी तरफ ज्यादा तवज्जो ना भी दें तो चलेगा। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर है आम हिदायत, जैसे कि हमेशा हर पेपर में हिदायत दी जाती है, यहाँ पर भी हिदायत है। सवालनामा मारोजी और मौजूई किस्म के सवालात पर मुश्तमिल है जिसमें 38 सवालात हैं। यहाँ पर इस थर्ड लैंग्वेज उर्दू के पेपर में जुमला 38 क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं और इस सवालनामा को सर मोहर कर दिया गया है। इम्तिहान शुरू होने के वक्त आपको पर्चा पढ़ने के लिए बाएं तरफ से काटना होगा। अच्छी तरह देख लें कि सवालनामे के सभी सफात ठीक ठाक हैं। अंदर जब आप सवालनामा खोलेंगे तब आप ये भी देख लें कि आपके पेपर में तमाम सवालात मौजूद हैं या कुछ मिसिंग हैं, हट नहीं है, मुकम्मल नहीं है, ये भी आप चेक कर लें। उसके बाद आती है बात मारूजी और मौजूई दोनों किस्म के सवालों के लिए जगह दी गई हिदायत के मुताबिक जवाब लिखें, यानी कि जैसे कि एक जुमले के सवाल के जवाब हैं तो आप एक जुमले में ही लिखिए और दो जुमले के हैं तो दो जुमलों में उस जवाब को मुकम्मल कीजिए। जैसे कि अगर कोई जवाब दो जुमलों में का है आप सिर्फ एक जुमले में लिखेंगे तो उसका मुकम्मल मार्क्स आपको हासिल नहीं होंगे, दो जुमलों के लिए दो जुमले ही लिखना होगा। और उसके बाद आता है बाएं हाथ के हाशिए पर पूरे मार्क्स दिए गए हैं। बाएं हाथ के हाशिए पर जो है ना आपको किस क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स दिए गए हैं वो तमाम चीजें वहां पर मौजूद हैं। जवाब देने का ज्यादा से ज्यादा वक्त सवालनामे के ऊपर दिया गया है, इसमें सवालनामा पढ़ने के लिए वक्त दरकार है। अब जैसे कि आपको ये पेपर 3 घंटों में मुकम्मल करना होगा, इस यहाँ पर टाइम दिया गया है। अब बढ़ते हैं दूसरी तरफ, जैसे कि ये है हमारा पेपर थर्ड लैंग्वेज उर्दू के लिए जो पेपर दरकार है उसका मैं आपको एक शॉर्ट यहाँ पर बता देती हूँ कि फर्स्ट जो है सुना आपका आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स, ये होते हैं 8 ये, और आता है सेकेंड आता है आपका मुनासिबत रखने वाले सवालात व जवाबात, ये होता है 4 मार्क पे, और आता है थर्ड आता है आपका 1 मार्क क्वेश्चन आंसर्स। और उसके बाद आते हैं 2 मार्क क्वेश्चन आंसर्स, उसके बाद है 3 मार्क क्वेश्चन आंसर्स, चार मार्क क्वेश्चन आंसर्स, और आते हैं उसके बाद है 5 मार्क्स पर आपका लेटर। ये जुमला 80 निशानात मुकम्मल हो जाते हैं यहाँ, इस तरह का आपका पेपर होता है। अब इसके बाद यहाँ पर आएंगे हम, देखिए जैसे कि दर्जे जैल हर सवाल के लिए 4 मुतबादिल जवाब दिए गए हैं, इनमें से सबसे मुनासिब जवाब चुनकर लिखें। सबसे पहले है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है गजल का पहला शेर क्या कहलाता है। गजल, गजल के पहले शेर को मतला कहा जाता है और आखिरी शेर को मख्ता कहा जाता है और गजल के सबसे बेहतरीन शेर को जो है ना
बैतुल गजल कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें फर्स्ट वन करेक्ट होता है, यानी कि गजल के पहला शेर मतला कहलाता है। गैर मुस्तकिल कलमे को ये भी कहते हैं, गैर मुस्तकिल कलमा यानी कि वो कलमा जो खुद मायने नहीं देता बल्कि किसी दूसरे लफ्ज पर मुनासिर होता है, गैर मुस्तकिल कलमा कहलाता है। और गैर मुस्तकिल कलमे को गैर मुस्तकिल कलमे के अलावा हुरूफ भी कहा जाता है। दर्जे ज़ैल, अब आती है तीसरे क्वेश्चन की बारी। दर्जे ज़ैल सवाल में हकीकत हाल मालूम होना, ये एक मुहावरा है और उस मुहावरे के मायने देने वाला माना है आंखें खुल जाना। अब आते हैं चौथे सवाल की तरफ। सब आए मगर वो ना आया, इस जुमले में हुरूफे इस्तिस्ना की निशानदही कीजिए। इस्तिस्ना अल्फाज वो अल्फाज होते हैं जो तमाम को, मुकम्मल लोगों को, एक शख्स को तमाम लोगों से अलग कर दे, वो होता है इस्तिस्ना। इसमें मगर जो है ना वो है इस्तिस्ना, हुरूफे इस्तिस्ना, यानी कि सब आए हैं, मुकम्मल क्लास मौजूद है, सब आए हैं लेकिन वो नहीं आया, इसलिए यहाँ पर हुरूफे इस्तिस्ना मगर होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है। अब है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, सवाल नंबर 5 है। खत लिखने वाले को कहा जाता है, खत लिखने वाले को कहा जाता है मक्तूब निगार। और यहाँ पर खत लिखने वाले को मक्तूब निगार कहा जाता है। अब है सवाल नंबर 6 की बारी। जैसे कि दर्जे ज़ैल में वाहिद लफ्ज की निशानदही कीजिए। अब दफ्तर की जमा होती है दफातिर, और मराकिस मरकज की जमा होता है मराकिस, और जजायर जजीरे की जमा होती है होता है जजायर। यहाँ पर मंजिल जो है ना वो है वाहिद। इल्मे नुजूम यानी, इल्मे नुजूम कहा जाता है सितारों के इल्म को, जो शख्स सितारों का इल्म रखता है उसको इल्मे नुजूम कहा जाता है। तो इल्मे नुजूम यानी कि यहाँ पर सितारों का इल्म होता है। इस अब आती है, अब है सवाल नंबर 8। इस नज्म में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है, उसे कहते हैं नाते शरीफ। अल्लाह ताला की तारीफ में बयान की जाने वाली नज्म को हम्द कहा जाता है, उसी तरह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में बयान की जाने वाली नज्म नाते शरीफ कहलाती है। यहाँ पर आपके मुकम्मल मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर मुकम्मल हो चुके हैं। इस तरह से आप एक बात ध्यान में रखें, जहन नशीन कर लें कि जब भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं तो बार बार ना लिखें, रिपीट ना करें, मिस्टेक्स ज्यादा ना करें, और जो है ना सोच कर ध्यान से लिखने की कोशिश करें। अगर आपको याद ना हो तो उस लाइन को छोड़ दें, बाद में याद आने पर सोच कर टाइम मौजूद रहने पर जो है ना आप उस सवाल को लिख सकते हैं, लेकिन बार बार ना काटें और जो है ना काट काट कर मत लिखें। लिखने से इस तरह से आपके मार्क्स काउंट नहीं किए जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब है ये, अब देखिए यहां पर पहले दो लफ्जों की मुनासिबत से तीसरे लफ्ज का जोड़ लिखिए। यहाँ पर हमको हमेशा ये सोचना चाहिए कि यहाँ पहले लफ्ज की दूसरे लफ्ज से क्या मुनासिबत है। अब मिसाल के तौर पर पहला सेंटेंस, पहला वर्ड देख लीजिए आप, है यहाँ पर इब्तिदा। यहाँ पर इब्तिदा जब लिया जा रहा है तो उसकी मुनासिबत में इंतहा को रखा गया है, यानी कि इब्तिदा यानी कि शुरुआत और इंतहा यानी कि अख्तिताम, खत्म हो रहा है। ये दोनों मुतजाद हैं, जिद हैं, अपोजिट हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर हमको आला जब दिया गया है तो यहाँ पर हमको अदना लिखना होगा। ये मुतजाद है, आला का अपोजिट जिद अदना कहलाता है। अब जैसे कि दूसरा लफ्ज है हुजरा। हुजरा यानी कि छोटे से कमरे को कहा जाता है। हुजरा मुजक्कर लफ्ज है, मुजक्कर लफ्ज है ये, और उसी की बनिस्बत चटाई, हम जब चटाई देखेंगे तो ये होता है मोनस, ये मोनस होता है।
अब है सवाल नंबर 11 और वो है इंतखाब। इंतखाब का यहाँ पर क्या लिया गया है, इंतखाबात। इंतखाबात, इंतखाब क्या है, एक सिंगुलर यानी के वाहिद लफ्ज है, ये वाहिद लफ्ज है, इसकी बनिस्बत यहाँ पर क्या लिया गया है, इंतखाबात, ये जमा है। तो उसी तरह से हमको खिदमत, खिदमत की जमा लेने होगी खिदमात, यहाँ पर खिदमात लिया जाएगा। इस तरह से यह मुकम्मल हो गया। आप हमेशा ध्यान में रखें पहली मुनासिबत को, पहले जो लफ्जों में मुनासिबत मौजूद है उसी हिसाब से आप यहाँ पर जोड़ लगाएंगे। और नेक्स्ट है सवाल नंबर 12, दिल बुझ जाना, यानी कि ये एक मुहावरा है, इसके मायने होते हैं दिल बुझ जाना यानी कि मायूस होना, मायूस हो जाना, और उसके बरक्स यहाँ पर आंखें चमक उठना यानी कि खुश हो जाना, बहुत खुश हो जाना। अब आती है बारी जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स मुकम्मल हो गए हमारे, अब फिर आई है पहले दो लफ्जों की मुनासिबत, ये भी मुकम्मल हो गया। अब आती है बारी सवालात के जवाबात पर। अब आएंगे हम वन मार्क क्वेश्चन आंसर्स पर। जैसे कि यहाँ पर बता दिया गया है, यहाँ पर हर सवाल के लिए एक मार्क सेलेक्ट किया गया है, तो आपको भी इसका जवाब एक ही जुमले में देना होगा। जैसे कि यहाँ पर माहिर रियाजीदान कौन था, उसके बाद माहिर रियाजीदान उमर खयाम थे, हाँ। उसके बाद है देखिए अकबर अलाबादी को किस बात की परवाह ना रही, अकबर अलाबादी को किस बात की परवाह ना रही कि उनका शुमार आखिलों में होना हो या फिर उनकी गिनती जो है सना अकलमंदों में होना हो, इस बात की उनको परवाह ना रही। मोहम्मद, अब आती है सवाल नंबर 15 है, मोहम्मद अली जौहर ने किस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। तो मोहम्मद अली जौहर ने जो है ना गोलमेज कॉन्फ्रेंस में, आपको एक एक वर्ड जो मेन वर्ड है उसकी याद दहानी, उसको याद रखना बहुत जरूरी है। तो मोहम्मद अली जौहर ने जो है ना गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी। अब सवाल नंबर 16, पैगाम एकजहती नज्म के ताल्लुक से बताइए कि हमारा मुद्दा क्या होना चाहिए। तो पैगाम एकजहती नज्म के मुताबिक जो है ना, मुताबिक जो है ना, हमारा मुद्दा वतन की शान और अजमत होना चाहिए, हम वतन का नाम ऊंचा रखना चाहिए हमको, ये शायर का यहाँ पर मेन मकसद है, मोटिव है ये। यहाँ पर जब हमारे वन मार्क क्वेश्चन आंसर्स एक जुमले के सवालात के जवाब मुकम्मल हो जाएंगे, तब आते हैं हम दो या तीन जुमलों के सवालात के जवाबात में। तो आप यहाँ पर गौर व फिक्र करें, दो या तीन यानी कि आपको जवाबात दो या तीन जुमलों में ही लिखने होंगे। जैसे कि सर एम विश्वेश्वरैया को मैसूर के दीवान का ओहदा किसने और क्यों पेश किया, यानी कि सर एम विश्वेश्वरैया को मैसूर दीवान का ओहदा वलाई मैसूर कृष्णा राज वडियर बहादुर ने जो है ना इनकी जहानत और इस्तेदाद को देखते हुए जो है सुना इनको दीवान का ओहदा पेश किए थे। मोहम्मद अली शेख हुसैन अब्दुल्ला बिन अनिसुल्लाह कब और कहां पैदा हुए, शेख हुसैन अब्दुल्ला कस्बा खरशैन 1980 में, वतन बुखारा कस्बा खरशैन 1980 में पैदा हुए। और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला ने किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से इस्तेफादा किया। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा मस्जिद नबी से लगा हुआ था, इसका फायदा ये होता कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर्दे के पीछे से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से इस्तेफादा हासिल करती रही। कदीम दौर में साइंस की कौन सी अहम शाखें थी और साइंसदान को किस नाम से पुकारा जाता था। कदीम दौर में जो है सना इल्मे तिब, इल्मे रियाजी, इल्मे हयातियात, इल्मे तिबियात, नफ्सियात वगैरह अहम शाखें थी और साइंसदान को जो है ना हकीम के नाम से पुकारा जाता था। और नेक्स्ट है सवाल, मेराज का मतलब क्या है। और आप यहाँ पर इस बात को भी ध्यान में रखें कि अक्सर एवरी ईयर मौलाना मोहम्मद अली जौहर, पैगाम एकजहती और जो है ना मुस्लिम साइंसदान, ज्यादातर क्वेश्चन आंसर्स रिपीटेड होते हैं, इन्हीं असबाक से जो है ना ज्यादातर रिपीटेड क्वेश्चंस लिए जाते हैं। और यहाँ पर देखिए सर एम विश्वेश्वरैया, भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया, मुस्लिम साइंसदान मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा,
और मुस्लिम साइंसदान और नाते शरीफ से लिए गए हैं सवाल यहाँ पर। देखिए आप रिपीटेड रिपीटेड क्वेश्चंस, हम हमेशा मॉडल पेपर्स को नजरों में रखते हुए जो रिपीटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो दोहराए जाने वाले सवाल हैं, उन्हीं को अगर हम याद करें तो जिन लोगों जिन तुलबा व तालिबात को याद करने में मुश्किल दरपेश आती हैं वो उनको अच्छे से याद कर सकते हैं और इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। मेराज का मतलब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सातों आसमानों से ऊपर जाना और तजल्लियाते इलाही का मुशाहिदा करने को मेराज कहा जाता है। और हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में कौन कौन आराम फरमा है, इस सवाल के जवाब में हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे ही में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु आराम फरमा थे हैं। मोहम्मद अली जौहर का सिविल सर्विस इम्तिहान में नाकाम होना किस लिए बेहतर साबित हुआ, क्योंकि जो है ना मोहम्मद अली जौहर जो है ना दो तीन बार सिविल सर्विस इम्तिहान के लिए कोशिश करे थे, ट्राई करे थे, लेकिन अल्लाह ताला की शायद मशीयत यही थी कि मोहम्मद अली जौहर अंग्रेजों की गुलामी के बजाय जो है ना बर्रे सगीर के मुसलमानों की खिदमत कर सकें, इसीलिए जो है सुना वो हर बार सिविल सर्विस इम्तिहान में नाकाम होते रहे। ये हो गए दो जुमले के सवाल के जवाब। यहाँ पर आप रिपीटेड क्वेश्चन आंसर्स को जहन में रखते हुए हमेशा उन्हीं सवाल को अगर याद करेंगे तो आपको याद करने में, याद रखने में और लिखने में सहूलियात मुहैया हो सकती हैं। अब इन सवालात के बाद आती है बारी तीन या चार जुमलों के सवालात। इसको दो तीन हिस्सों में तब्दील किया गया है, रखा गया है, दो तीन हिस्सों में रखा गया है। जैसे कि पहला हिस्सा होता है बहावलय मतन दर्जे जैल जुमलों की वजाहत कीजिए। बहावलय मतन यानी कि ये जुमले किसने, किससे और कब कहे, इन तमाम सवालात को जो है ना त्री मार्क पर रखा गया है। जैसे कि पहला सवाल है मुझे मुलाकात के बारे में उस वक्त याद आया जब मैंने अपने दरवाजे पर आपका नाम लिखा देखा। ये जुमला या ये हवाला मजमून मुल्ला नसीरुद्दीन के किस्से से लिया गया है और ये जुमला मुल्ला अपने दोस्त से उस वक्त कहते हैं जब मुल्ला जो है ना अपनी शेखी बगाड़ते रहते हैं अक्सर, तो मुल्ला के दोस्त इनके इल्म को आजमाने के लिए एक दिन इनसे वादा ले लेते हैं कि मैं आपके घर को आऊंगा और आपका इल्म आजमाऊंगा। तो मुल्ला कहते हैं कि ठीक है आ जाइए। जब मुल्ला के दोस्त उनके घर पर पहुंचते हैं तो मुल्ला साहब वहां पर नहीं रहते, नदारुद मौजूद नहीं रहते वो, तो उनके दोस्त को बहुत गुस्सा आता है। तब वो गली से जो है ना एक कोयले का टुकड़ा उठाते हैं और उनके दरवाजे पर बेवकूफ गधा लिख देते हैं। तो जब मुल्ला वापस आते हैं, आने के बाद अपने दरवाजे पर बेवकूफ गधा लिखता देखते हैं तो उनको मुलाकात के बारे में याद आता है। तो जब वो अपने दोस्त के पास जाकर कहते हैं कि मुझे मुलाकात के बारे में बिल्कुल याद नहीं था और मैंने जो है सुना आपका नाम मेरे दरवाजे पर लिखा हुआ देखा, तब मुझे मुलाकात के बारे में ख्याल आया, बोलकर कहते हैं। यहाँ पर आप तीन जुमलों में लिख सकते हैं ये जुमला मजमून मुल्ला नसीरुद्दीन के किस्से से लिया गया है और ये जुमला मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त से कहा था। इनको तीन जुमलों में अगर लिख दें तो आपको उसके पूरे मार्क्स हासिल हो सकते हैं। अब है यहाँ पर इस नाम की कोई मछली हमारे पास मौजूद नहीं है, ये जुमला ये हवाला जो है ना मजबून धोबी ने मगरमच्छ को खालिया से लिया गया है और इसके मुसन्निफ जो है ना कृष्ण चंद्र हैं। आप अगर लाइन वाइज स्टेप वाइज अगर जहन में रख लें कि ये जुमला किस सबक से लिया गया है, अगर इतना भी जहन नशीन रख लें तो आप उसके बारे में पूरा लिख सकते हैं, पूरा बोल सकते हैं। जैसे कि ये जुमला जो है ना धोबी ने मगरमच्छ को खालिया से लिया गया है और इस जुमले के इस सबक के मुसन्निफ कृष्ण चंद्र हैं। ये जुमला धोबी जो है ना ये जुमला धोबी की एक दिन धोबी घाट पर जब कपड़े धो रहा था धोबी, तब धोबी की टांग एक मगरमच्छ खा जाता है और उसको वो वहां पे ही फौत हो जाता है। तो धोबी का एक जो जानने पहचानने वाला रिश्तेदार था वो धोबी की मदद के लिए
जो मछलियों के डिपार्टमेंट जाता है, तब वहां पर एक काउंटर से दूसरे काउंटर पर जाने के बाद भी जब उनकी उसकी बात को नहीं सुना जाता, तो वो दूसरी काउंटर पर जाता है और कहता है कि धोबी को जो है ना एक मगरमच्छ खा गया, इसलिए मैं उसकी मदद के लिए आया हूँ। तो वो शख्स जो है ना नाम पूछता है, तो रामू अपना नाम बताता है, रामू कहता है। तो वो काउंटर वाला जो काउंटर पर जो शख्स मौजूद था वो ये कहता है कि इस नाम की कोई मछली हमारे पास नहीं है। वो कंफ्यूज हो जाता है कि रामू शायद किसी मछली के बारे में बात कर रहा है, रामू लेकिन अपने नाम के बारे में बताता है वहां पर। तो वो शख्स कहता है कि इस नाम की कोई मछली हमारे पास मौजूद नहीं है। अब आते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कमरा इतना छोटा है कि इसमें किसी ख्वाब के दाखिल होने की गुंजाइश नहीं है। ये जुमला मजाहिया मजबून जापान चलो सफरनामा सफरनामा जापान चलो से लिया गया है, जिसके मुसन्निफ मुज्तबा हुसैन है। और ये जुमला मुज्तबा हुसैन मिस प्रीनिया से रात में जब घूमकर वापस आने के बाद अंग्रेजी आदाब के मुताबिक आज रात कोई अच्छा सा ख्वाब देखिए बोलकर कहती है मिस प्रीनिया, तो उसके जवाब में मुज्तबा हुसैन कहते हैं कि कमरा इतना छोटा है कि इसमें किसी ख्वाब के दाखिल होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब यहाँ पर फर्स्ट हिस्सा मुकम्मल हो गया। फर्स्ट हिस्सा यानी कि बहावाला मतन के वजाहत कीजिए, यहाँ पर मुकम्मल हो गया। अब आती है दूसरी चीज, दूसरी यानी कि यहाँ पर है आपको तख्लीककार दर्जे ज़ैल नसर निगारों में से किसी एक का तारुफ लिखना है आपको। आप हमेशा याद रखिए ये जो है ना पोइट्स और राइटर्स, नसर निगार और शोरा, ये अक्सर रिपीटेड है, ये हमेशा अक्सर दोहराए जाते हैं बार 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 मॉडल पेपर्स में हर साल एवरी ईयर जो है ना ये रिपीटेड आते हैं। अगर आप इनकी भी प्रैक्टिस कर लें, अच्छा सा याद कर लें, अच्छा सा जहन नशीर कर लें, इनकी वफात पैदाइश वगैरह तसानीफ वगैरह को याद कर लें, तो आप अच्छे से अच्छे अंदाज में इनको लिख कर याद कर सकते हैं और इम्तिहान में लिख कर पास हो सकते हैं। इनके बारे में मालूमात मैं आपको आगे फराहम करूंगी। नेक्स्ट है देखिए दर्जे ज़ैल अशियार की तशरी कीजिए। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। ये गजल जो है ना मिर्जा गालिब की ली गई हुई है और जो है सुना इसमें शायर कह रहे हैं कि हम तमाम बंदे जानते हैं मौत बरहक है, हमको इस दुनिया से लौटकर आखिरत की तरफ जाना है, लेकिन फिर भी हम दुनिया की चकाचौंध दौलत कमाने के गुरूर में तकब्बुर में जो है ना हम ये भूल चुके हैं कि हमारी मौत का दिन मुकर्रर है, और दौलत कमाने की फिक्र में गौर व फिक्र में परेशानियों में जो है सुना हम हमारे दिन की भी चैन और रात की नींद को भी हराम कर रहे हैं। और इसके बाद आता है जमाने के क्या क्या सितम देखते हैं, हमें जानते हैं जो हम देखते हैं। सदा हम तो खोए गए से रहे, कभो आप में तुमने पाया हमें। इन अशियार ये भी अशियार रिपीटेड हैं, अक्सर वो बेशतर हर साल पूछे जाने वाले अशियार हैं। अगर आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, याद कर लें, तो आपको एग्जाम में सहूलियत फराहम होगी। आप आसानी एग्जाम को फेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, आप में कोई डर खौफ झिझक मौजूद नहीं रहेगी। अब आती है इसकी बारी, यहाँ पर है थर्ड जो हिस्सा है। फर्स्ट हिस्सा था बहावाला मतन की वजाहत कीजिए, सेकेंड हिस्सा है दर्जे जल शोरा और नसर निगारों का तारुफ लिखना है, सेकेंड हिस्सा, थर्ड हिस्सा होता है अशियार की तशरी, और वहीं होता है फोर्थ हिस्सा आता है दर्जे जैल अंग्रेजी तहरीर का उर्दू में तर्जुमा कीजिए। दिस इज माई हाउस, माई हाउस इज वेरी ब्यूटिफुल, देर इज अ ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, यानी कि ये मेरा घर है, मेरा घर बहुत खूबसूरत है और मेरे घर के सामने एक दरख्त है। इतना आप तीन सेंटेंसेस अगर लिख दें तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, वह आसानी मिल सकते हैं। अब उसके बाद आती है बारी दर्जे ज़ैल सवालात के तफसीली जवाब लिखिए, ये होता है 4 मार्क पे। एवरी ईयर रिपीटेड हमेशा कंपलसरी क्वेश्चन जो है ना ये रखा गया है, हर साल कंपलसरी क्वेश्चंस में ये इसको फिक्स किया गया है, यानी कि आपकी दर्सी किताब में, यानी कि
जुबान सुवम, उर्दू जुबान जो उर्दू बुक है आपकी जबान सुवम की, उस दरसी किताब में शामिल हम्द के इब्तदाई चार अशियार अपनी याददाश्त से लिखने होंगे आपको। इब्तदाई चार अशियार जो हैं वो आगे हिस्से में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से हैं, वो आप देख लीजिए। और इसके बजाय या में भी पूछा जाता है नाते शरीफ को, नाते शरीफ के भी इब्तदाई चार अशियार आपको पूछे जा सकते हैं। अगर आप ये दोनों नज्में चार चार अशियार अच्छे से याद कर लें, अपने जहन में जहन नशीन कर लें, तो आप चार मार्क्स हासिल करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, आप आसानी से चार नंबरात हासिल कर सकते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी। यहाँ पर दो सवालात दिए जाते हैं, इन दो सवालात में से आपको या तो फिर ये करना होता है या तो फिर ये वाला क्वेश्चन करना होता है, दोनों में से एक चॉइस होती है। यहाँ पर आप या तो फिर मुशायरे में खतीब साहब अपना कलाम किस तरह सुनाते हैं, यानी कि मुशायरा जब होता था अक्सर सुलेमान खतीब की जो बारी होती थी मुशायरों में, अक्सर उनका कलाम आखिर में रखा जाता था क्योंकि इनके कलाम की शोहरत हिंदुस्तान भर में मौजूद थी, तो ताकि जो वलवला जो गौल जो मजमुआ वहां पर मौजूद है, अगर इनका कलाम शुरुआत में रखा जाता तो उस उनका कलाम सुनने के बाद वो मजमुआ हट जाता था। इसलिए क्या करते थे अक्सर मुशायरों में जो है ना इनका कलाम सुलेमान खतीब साहब का कलाम आखिर में रखा जाता था। और ये जो डिटेल है आप सरसरी तौर पर इनका अगर सबक दो तीन दफा दोहरा लें, याद कर लें, चंद मोटे मोटे अल्फाज अगर जहन नशीन कर लें, तो आप आसानी जो है ना इनके कलाम के बारे में, इनके कलाम सुनाने का अंदाज, इनके जो है सना तसानिफ वगैरह आप थोड़े से बहुत से याद कर लें, पॉइंट्स बनाकर रख लें, तो वो पॉइंट्स लिखने पर आपको पूरे मार्क्स हासिल हो सकते हैं। पॉइंट्स बना लीजिए, आप पॉइंट्स में याद कीजिए, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर याद कीजिए, याद करके चंद अपने अल्फाज भी ऐड कीजिए, आपको चार नंबर आठ मिल सकते हैं। अब यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन है, ये भी एवरी ईयर रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, एवरी ईयर पूछा जाता है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की फयाजी और सखावत का कोई एक वाकया बयान कीजिए, यानी कि 70,000 दिरहम उन्होंने किस तरह से सुबह से शाम तक खत्म कर दिए, और अमीर माविया जो उनकी खिदमत में 1,00,000 दिरहम जब लेकर आए थे तो वो सुबह से शाम तक गरीबों मोहताजों मिस्किनों में तकसीम कर दिए, हालांकि उस दिन वो रोजे से थी और अपनी कुछ फिक्र ना की, रोजे से रहने के बाद भी खुद वो रोजा कैसे खोलेंगी कैसे इफ्तार करेंगी इस बात की फिक्र ना करते हुए भी वो तमाम 1,00,000 रकम गरीबों मिस्किनों और मोहताजों में तकसीम कर दिए। उस वाकये को अगर आप यहाँ पर लिख देंगे तो आप चार नंबर हासिल कर सकते हैं, आसानी से हासिल किए जा सकते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, या में तो पूछा जाता ऊपर तो रहता या फिर नीचे तो रहता, लेकिन कंपलसरी और रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए अब नेक्स्ट है, दर्जे ज़ैल तहरीर का बगौर मुतालिया कीजिए और नीचे दिए गए सवालात के जवाब दीजिए। यहाँ पर भी आप चार नंबरात आसानी हासिल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये पैराग्राफ दिया जाता है, आप इस पैराग्राफ को बगौर पढ़ें, एक बार समझ में ना आने पर रिपीट करें, दोहराएं, एक बार पढ़ें और दूसरी बार पढ़ें, उसके बाद जो है ना इन सवालात के जवाब को लिखें, जैसे कि जिंदगी की रोशनी किसे कहा गया है, यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर इल्मों को, हाँ यहाँ पर इल्म को जो है ना जिंदगी की रोशनी कहा गया है, जिंदगी की रोशनी किसे की बजाय आप इल्म बोलकर लिख सकते हैं, इल्म को कहा गया है, और इल्म से किसे तस्खीर किया जा सकता है, कायनात,
इल्म से कायनात को तस्खीर किया जा सकता है। किसे की बजाय आप कायनात यहाँ पर लिख दीजिए, इल्म से कायनात को तस्खीर किया जा सकता है। इल्म के जरिए किस पर हुकूमत की जा सकती है? इल्म के जरिए दिलों पर हुकूमत की जा सकती है। इल्म के मुतालिक एक हकीम ने क्या कहा है? इल्म के मुतालिक एक हकीम ने कहा था कि इल्म इफलास में माल है और मालदारी में जेवर है। यानी कि इल्म जब आप मुश्किलात में मुब्तला हो जाएं तो आपको इल्म क्या करता है मालूम है? कभी भूखा मरने नहीं देता। और जब आपके पास इल्म ज्यादा मालदारी है तो वो इल्म आपके लिए जेवर कहलाता है। अब आती है बारी यहाँ पर दर्जे ज़ैल किसी एक उनवान पर 12-13 जुमलों पर मुश्तमिल एक मजमून तहरीर कीजिए। अब यहाँ पर ये भी एवरी ईयर रिपीटेड पूछा जाने वाला, अक्सर वो बेशतर पूछे जाने वाले उनवानात हैं। जैसे कि मेरा पसंदीदा खेल, आप अक्सर वो बेशतर जो भी खेल आपको पसंद है उसकी नॉलेज आपके पास मुकम्मल मौजूद होती है। उन नॉलेज को आप 3 हिस्सों में बांटिए। पहला होता है तमहीद, दूसरा होता है मजमून, निस्फे मजमून, और तीसरा होता है इख्तिताम। आप ये याद रखिए। इस उनवान को आप 3 से 4 सफहात मर लिखिए। सबसे पहले आप तमहीद इकट्ठा कीजिए, यानी कि वो खेल क्या है, इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई, कब हुई, इस खेल के लिए कितने प्लेयर्स दरकार होते हैं, कितने खिलाड़ियों का होना जरूरी है, ये तमाम चीजें तमहीद में लाइए। आप निस्फे मजमून, इसका जो है ना खेलने का तरीका क्या होता है, किस तरह से खेला जाता है, ये तमाम जो डिटेल्स होती हैं आप निस्फे मजमून में ला सकते हैं। इख्तिताम, कंक्लूजन में आप इस खेल के फवायद बता सकते हैं, इस खेल को किस तरह से खेलना चाहिए और खेलों की क्या अफादियत है, अहमियत क्या है, खेल 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 खेलने से जो है ना आपका दिमाग तरोताजा हो सकता है, सेहत अच्छी रहती है, जिस्म चुस्त और दुरुस्त रहता है, ये तमाम चीजें आप इख्तिताम में बता सकते हैं। कौमी एकजहती यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन, आप कौमी एकता कौमी एकजहती के बारे में भी बता सकते हैं। अब आती है बारी खत के अज्जाए तरकीबी के लिहाज रखते हुए दर्जे ज़ैल खतूत में से कोई एक खत लिखिए। यहाँ पर 2 खतूत दिए गए हैं, इनमें से आपको एक खत लिखना होगा। यानी कि पहला खत है तालीमी मसरूफियात का जिक्र करते हुए अपने वालिद मोहतरम के नाम खत लिखिए। वालिद के नाम एक खत लिखना है जिसमें आपको जो है ना आपकी तालीमी हालत के बारे में, आपकी स्टडीज कैसी चल रही, आपका स्टडीज फोकस स्टडीज पे कैसा है, किस तरह की मेहनत आपने जारी रखी है, ये तमाम चीजें इसमें बताते हुए आपको वालिद को खत लिखना है। और दूसरी आती है 2 दिन की छुट्टी के लिए अपने क्लास टीचर के नाम खत लिखिए, दरख्वास्त नामा लिखिए। 2 दिन की छुट्टी की इत्तला देते हुए कोई भी वजह बताते हुए आप 2 दिन की छुट्टी तलब कर सकते हैं। यहाँ पर इस साल का प्री बोर्ड का एग्जाम का पेपर लिया गया है, आपको ऐसी इस साल का प्री बोर्ड का एग्जाम जो अभी इम्तिहान दिए हैं आप लोग, प्री बोर्ड का वही पेपर यहाँ पर मैंने रखा है। यहाँ पर भी देखिए वैसे ही जो है ना फर्स्ट आते हैं दर्ज ज़ैल, हर सवाल के जवाब के लिए 4 मुतबादिल जवाब दिए गए हैं, इनमें से सबसे मुनासिब जवाब चुनकर लिखिए। अब जैसे कि हुब्बे कौमी यानी कि कौम की मोहब्बत, तिजारत या कारोबार के लेन देन से ताल्लुक रखने वाले खतूत कारोबारी खतूत कहलाते हैं। शेख हर इल्म व फन के माहिर थे, इस जुमले में हुर्फे तख्सीस यानी कि हर कहलाता है। वो कलमा जो खुद मायने नहीं देता, ये भी एवरी ईयर जैसे कि अभी मॉडल पेपर में आपने देखा था, गैर मुस्तकिल कलमे को कहा जाता है, डैश भी कहा जाता है, हुरूफ भी कहा जाता है, जैसे कि मैंने बताया था। अभी यहाँ पर उसी को थोड़ा सा सवाल को चेंज कर पूछा गया है, जैसे कि वो कलमा जो खुद मायने नहीं देता बल्कि दूसरे अल्फाज से मिलकर
मायने देता हो कहलाता है, गैर मुस्तकिल कलमा कहलाता है। नेक्स्ट है, अल्फाज का वो मजमा जिससे कुछ मायने वो मतलब निकलता हो कहलाता है, ये कहलाता है जुमला। यानी के अल्फाज का वो मजमा जिसे हम कुछ मायने वो मतलब निकाल सकें वो कहलाता है जुमला। रुबाई में मिसरों की तादाद होती है, गजल दो मिसरों पे मुश्तमिल होती है, और जो है ना रुबाइयात, रुबाइयात हमेशा जो है ना चार मिसरों पर मुश्तमिल होती है। गजल के सबसे अच्छे शेर को कहा जाता है, जैसे कि प्रीवियस पेपर में भी पूछा गया था गजल के बारे में, गजल यानी कि गजल मतला किसे कहते हैं, गजल के पहले शेर को क्या कहा जाता है, गजल के पहले शेर को मतला कहा जाता है। यहाँ पर गजल के सबसे अच्छे शेर को क्या कहा जाता है, गजल के सबसे अच्छे शेर को बैतुल गजल कहा जाता है। दो या दो से ज्यादा मुफर्द जुमलों से मिलकर बनने वाले लफ्ज को कहलाता है, ऐसा जुमला जिसमें दो से ज्यादा मुफर्द जुमले लिए जाएं, जैसे कि मुदस्सिर खेल रहा है और अयान पढ़ रहा है। इन दो अलग अलग जुमलों को जब इकट्ठा किया जाए तो वो मुरक्कब जुमला कहलाता है, जुमला मुरक्कब। मुफर्द यानी कि सिंगल, अलग अलग जुमला होता है, जैसे कि अयान पढ़ रहा है, ये सिंगल मुफर्द जुमला है, एक जुमला है जिसमें एक मुब्तदा और एक खबर मौजूद होती है, और अयान खेल रहा है और मुदस्सिर पढ़ रहा है, इसमें दो मसनदालिया मुस्नद और मसनदालिया होते हैं, ये मुरक्कब जुमला कहलाता है। पहले दो लफ्जों की मुनासिबत से तीसरे लफ्ज का जोड़ लिखिए, जैसे कि यहाँ पर भी मंजिल है ये है वाहिद लफ्ज, और मनाजिल ये जमा है। अब जैसे कि शेर है तो अशआर, बेकार कारामद, जिद है ये, हाँ जिद है, जैसे कि बेकार उसकी जिद होती है कारामद, जाहिर यानी के बातिन। रोशनी मुअन्नस है, उसके बरक्स तरीका जो है ना मुजक्कर है। दिल बुझ जाना मायूस होना, पारा चढ़ना यानी के बहुत गुस्सा होना। यहाँ पर ये जब मुकम्मल हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला किसकी साहबजादी हैं, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला की दूसरी साहबजादी हैं। धोबी के साथ क्या हादसा पेश आया, धोबी के साथ ये हादसा पेश आया कि इसको एक मगरमच्छ ने खा लिया, अपना लुकमा बना लिया। माहिर रियाजीदान कौन है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, माहिर रियाजीदान उमर खयाम है। मैमारे मैसूर के नाम से कौन मशहूर है, मैमारे मैसूर के नाम से सर एम विश्वेश्वरैया मशहूर हैं। यहाँ पर चार मार्क्स मुकम्मल हो गए आपके। अब आती है बारी, इन सवालात के जवाब दो या तीन जुमलों में लिखिए। कदीम दौर में साइंस की कौन कौन सी शाखें थी, साइंसदान को किस नाम से पुकारा जाता है, जैसे कि प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन में का आंसर मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। शायर ने गली कुचों में सुबह व शाम कौन सा मंजर देखा है, शायर ने गली कुचों में सुबह व शाम लोगों का खून बहते हुए और लड़ाई झगड़ों का मंजर देखा है। सुलेमान खतीब का हुलिये के बारे में लिखिए, सुलेमान के खतीब के हुलिये के बारे में, उनका शिकम तेजी से खुब्बा बनने की तरफ मायल था, और जो है ना उनके बाल जो है ना बिल्कुल भी तफुकरात की नजर हो चुके थे, और जितने भी रहे सहे बाल थे वो टोपी के नीचे से झालर की शक्ल में आवेजा थे, और जो है ना वो कभी जिना का पहनते तो कभी फ्लैट हैट पहनते। ये तमाम चीजें आप दो तीन पॉइंट करके दो उनके हुलिये के बारे में दो जुमले लिख सकते हैं यहाँ पर। और है यहाँ पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर के उर्दू और अंग्रेजी अखबार के नाम लिखिए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर के उर्दू के अखबार का नाम था हमदर्द और अंग्रेजी के अखबार का नाम था कामरेड। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने क्या तकरीर फरमाई, गोलमेज कॉन्फ्रेंस में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने ये तकरीर फरमाई कि आज मैं इस देश में जब तक कि वो आजाद मुल्क है यहाँ पर रहने को तरजीह दूंगा, और मैं जो एक
गुलाम मुल्क है, कैद मुल्क है, उस मुल्क में जाकर रहने से बजाय यहाँ पर मुझे आप 2 गज जमीन दें और मुझे यहीं दफना दें। मैं किसी कैद मुल्क में, गुलाम मुल्क में मरने से बेहतर जो है सना यहाँ पर मरने को तरजीह दूंगा। ये तकरीर उन्होंने वहां पर फरमाई थी। और मुल्ला नसीरुद्दीन अपने आलिम दोस्त को किस तरह बेवकूफ गधा करार दिया, यानी कि मुल्ला नसीरुद्दीन के दोस्त ने क्या किया था मालूम है, कि मुल्ला साहब जब उनसे नहीं मिले तो मुल्ला ना मिलने की वजह से गुस्सा आने पर मुल्ला के दोस्त ने गली से कोयले का टुकड़ा उठाकर उनके दरवाजे पर बेवकूफ गधा लिख दिया था। लेकिन उन्होंने अपने आप को सही साबित करने के चक्कर में क्या किया जो है सुना, मुल्ला नसीरुद्दीन को जो है ना अपने आप को आलिम बताते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन को अपने ही दोस्त को जो है ना एक बेवकूफ गधा बता दिए। सर एम, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सर एम विश्वेश्वरैया, सर एम विश्वेश्वरैया, सिलेक्ट कर रही हूँ, नहीं आ रहा आप। सर एम विश्वेश्वरैया को मैसूर के दीवान के ओहदे पर किसने और क्यों पेश किया, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आप याद रख सकते हैं। अता कल्याणवी खामोश रहने की ताकीद क्यों कर रहे हैं, आजकल की दुनिया में सच बात कहने वालों को जो है ना बुरा कहा जाता है, बुरा माना जाता है, गलत माना जाता है, इस वजह से जो है ना शायर अता कल्याणवी खामोश रहने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में हक बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। इससे बेहतर यही होगा कि हम लोग खामोश रहें, क्योंकि हक बात आजकल के दौर में कोई सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पर वही फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आंसर, बहावला मतन के वजाहत कीजिए, कितना लंबा चौड़ा होगा, ये हवाला जो है ना धोबी ने मगरमच्छ को खा लिया मजमून से लिया गया है, जिसके मुसन्निफ कृष्ण चंद्र हैं। और ये जुमला एंग्लो एंग्लो इंडियन क्लर्क जो है ना धोबी रामू से पूछता है कि रामू जो मगरमच्छ के बारे में मालूमात देता है, लेकिन रामू कहता है कि जमुना घाट के पुल के नीचे मौजूद है, तो एंग्लो इंडियन क्लर्क तब पूछता है कि कितना लंबा चौड़ा होगा, लेकिन रामू क्या समझता है, वो जमुना घाट के बारे में पूछ रहा है, लेकिन वो एंग्लो इंडियन जो है ना मगरमच्छ के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करता है। कमरा इतना छोटा है कि इसमें किसी ख्वाब के दाखिल होने की गुंजाइश ही नहीं है, ये भी प्रीवियस पेपर में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। अरे बेवकूफो, मैं पिछले दरवाजे से भी तो बाहर जा सकता हूँ, ये जुमला, ये हवाला मुल्ला नसीरुद्दीन के किस्से से लिया गया है। ये जुमला जो है ना मुल्ला अपने दोस्तों से, जब उनकी बेगम घर की साख बचाने के लिए मुल्ला नसीरुद्दीन को घर में छुप जाने की सलाह देती हैं और कहती हैं उनके दोस्तों से कि मुल्ला घर पर मौजूद नहीं है, तब दोस्त उनके कहते हैं कि हम मुल्ला जब से अंदर गए हैं दरवाजे के अंदर, तब से लेकर अब तक हम दरवाजे के पास ठहरे हुए, हमने किसी को बाहर जाते हुए नहीं देखा। जब मुल्ला के दोस्त उनकी बेगम से वजाहत चाहते हैं और जो है ना गुस्से से पूछताछ करने लगते हैं, तब मुल्ला ऊपर खिड़की से कहते हैं कि अरे बेवकूफो, मैं पिछले दरवाजे से भी तो बाहर जा सकता हूँ। दर्जे ज़ैल नसर में, नसर निगारों में से किसी एक का तारुफ लिखिए, जैसे कि मैंने बताया था मुज्तबा हुसैन, एम खादर अली खान, ये भी प्रीवियस पेपर में, मॉडल पेपर में रिपीटेड पूछा गया है, ये आपको मैं बाद में बता दूंगी आगे। और यहाँ पर भी अल्ताफ हुसैन हाली, अकबर अलाबादी, आप चाहे तो इनका तख्लीककार लिख सकते हैं, या फिर इनका अल्ताफ हुसैन हाली आपको याद है तो वही आप लिख सकते हैं। यहाँ पर भी वैसे ही है, हम जहाँ हैं जहाँ हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी हम कुछ हमारी खबर नहीं आती, और रहा तू तो अक्सर अलमनाक मीर, तेरा तौर कुछ खुश ना आया हमें, हमारी तरफ अब वो कम देखते हैं, वो नजरें नहीं जिनको हम देखते हैं। यहाँ पर दर्जे ज़ैल अंग्रेजी अंग्रेजी तहरीर का उर्दू में तर्जुमा कीजिए। अब्दुल्ला इज माई फ्रेंड, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही लाइक्स टू रीड बुक्स, अब्दुल्ला मेरा दोस्त है, वो बहुत ही होशियार है, और ही लाइक्स टू रीड बुक्स, उसे किताबें पढ़ना पसंद है।
ये तीन अल्फाज अगर आप, तीन सेंटेंस अगर आप लिख देंगे तो आप 3 मार्क्स बआसानी हासिल कर सकेंगे। अब जैसे कि मैंने बताया था रिपीटेड क्वेश्चन 4 मार्क पे, हम्द के 4 अशआर अपनी याददाश्त की मदद से लिखिए। देखिए जिस तरह से बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, उन्हीं को अगर आप याद कर लेंगे, जहन नशीन कर लेंगे, तो आपको पास होने से और अच्छे नंबरात हासिल करने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप एग्जाम है, बर्डन है, इतना याद करना है, उतना याद करना है, वो कैसे पढ़े, ये कैसे पढ़ने का फॉर्मूला यूज करने से बेहतर ज्यादा पढ़ने से आप उन चीजों को पढ़ें जो बार 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 दोहराई जा रही हैं। इस हिसाब से आपको क्या होगा, एक सहूलत मिल जाएगी, आप कुछ ना पढ़ने के बजाय कुछ पढ़ने के काबिल बन जाएंगे। नेक्स्ट है, देखिए जैसे कि रिपीटेड क्वेश्चन, यहाँ पर भी वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की फयाजी और सखावत का कोई वाकया बताइए। हमारा आपको बार बार यही बताने का मकसद यही है कि आप कुछ ना पढ़ने के बजाय कुछ पढ़ें, बहुत ज्यादा ना पढ़ने के बजाय थोड़ा 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 कर कर पढ़ें, तो आप बिल्कुल अच्छे तौर पर एग्जाम को फेस कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। जैसे कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की फयाजी और सखावत का वाकया बयान कीजिए। अगर आपने ये वाकया पूरा लिख लिया तो आपको 4 नंबरात हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। और सफरनामा जापान चलो, जापान चलो में मुसन्निफ की शख्सियत के कौन कौन से पहलू सामने आए, यानी कि मुसन्निफ कभी जो है ना बिल्कुल सुस्त और काहिल नजर आते हैं, लेट लतीफ हैं इसको, और जो है ना अफसर अक्सर देर से आया करते थे, और जब कभी जो है ना उनके अफसरे वाला उनको बुला लेते तो वो क्या करते, अपने तौर पर नई नई बातें बनाकर पेश करना शुरू कर देते, बातूनी भी थे वो। और जो है सुना उनका किरदार के बारे में आपके जहन में जो जो चीजें आती हैं आप स्टेप बाय स्टेप लिखते जाए, आपको मार्क्स बराबर मिल जाएंगे। अब है यहाँ पर आप तहरीर, यहाँ पर जो उनवान दिया गया है वो जो तहरीर दी गई है उसके क्वेश्चन आंसर आप लिख दें तो ये 4 नंबर भी आपको हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि यहाँ पर भी रिपीटेड मेरा पसंदीदा खेल, इस उनवान की आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लें तो आप इस उनवान पर आसानी 12 से 15 लाइंस का एसे लिख सकते हैं। उनवान लिखने में आपको कोई परेशानी दरपेश नहीं आएगी। हिंदुस्तान के कौमी त्योहार, जो हिंदुस्तान के कौमी त्योहार हैं आप उनके बारे में भी लिखकर मार्क्स हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर खत के अज्जाए तरकीब के लिहाज रखते हुए दर्जे ज़ैल खतूत में से कोई एक खत लिखिए। जैसे कि यहाँ पर खत है, अपने वालिद साहब या वालिदा साहबा के नाम खत लिखिए जिसमें खैरियत मालूम कराते हुए अपने इम्तिहान का जिक्र हो, यानी कि आपकी खैरियत बताते हुए, मैं यहाँ पर खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप वहाँ पर खैरियत से होंगे, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि अगले माह मेरे इम्तिहान होने वाले हैं, सालाना इम्तिहान होने वाले हैं, और मैंने इन इम्तिहान की तैयारी बेहद सख्त मेहनत के साथ की है, और मुझे ये अंदाजा है कि मैं इस इम्तिहानात में, इन इम्तिहानात में इम्तियाजी नंबरात हासिल करूंगा। और इतना कहते हुए मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करता हूँ, और जो है ना घर में सभी बड़ों को सलाम और छोटों को दुआ, इतना कहते हुए आप यहाँ पर अपना खत मुकम्मल कर सकते हैं। और अपने क्लास टीचर के नाम एक दरख्वास्त लिखिए जिसमें कोई मुनासिब वजह बताते हुए छुट्टी तलब की गई हो, यानी कि कल रात से मैं जमात दहोम का तालिब इल्म, नाम और वालिद का नाम डालिए, कल रात से मेरी तबीयत बहुत नासाज है, तबीयत की नासाजी की वजह से डॉक्टर से रुजू हुआ, रुजू होने पर डॉक्टर ने 2 दिन आराम करने की सलाह दी है, लिहाजा मैं 2 दिन स्कूल आ नहीं सकता, इसलिए आप मेरी 2 दिन की छुट्टी मंजूर फरमाए तो ऐन नवाजिश होगी। आपका फरमा बरदार शागिर्द। आपकी क्लास नेम, नेम क्लास और जो है ना रोल नंबर वगैरह डाल दें, उससे आपको 5 मार्क्स हासिल हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने कुछ जो है ना, यहाँ पर चंद रिपीटेड जो है ना शोरा और मुसन्निफ निगार, मजमून निगार, उनके जो है ना यहाँ पर
शॉर्ट करके जो है ना यहाँ पर तख्लीकार लिखे हैं, जैसे कि मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, इनका नाम मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, तखल्लुस जो था इनका हाली था, और इनकी पैदाइश मुकाम पैदाइश 1837 ब मुकाम पानीपत, और उस्ताद इनके मिर्जा गालिब रहे थे, और खिताब इनको 1904 ईस्वी में, याद रखिए ये 1904 ईस्वी में हुकूमत की जानिब से शम्सुल उलमा का खिताब मिला था इनको, और तसानीफ जो है ना इनकी यादगार गालिब, हयात जावेद, हयात सादी, मुकदमा शेर व शायरी है। ये हो गया एक। अब नेक्स्ट यहाँ पर मिर्जा, और इनकी वफात हुई थी 1914 ईस्वी में। अब आते हैं मिर्जा गालिब, ये भी रिपीटेड है, एवरी ईयर रिपीट पूछा जाने वाला। मिर्जा गालिब नाम मिर्जा असदुल्ला खान, मिर्जा असदुल्ला खान, तखल्लुस था इनका गालिब, मुकाम पैदाइश 1797 1797 ईस्वी को आगरा में पैदा हुए, और इनकी तसानीफ जो है ना दीवान गालिब, कुलियात नजम और उर्दू मुअल्ला वगैरह है। वफात 15 फरवरी को 1869 ईस्वी में दिल्ली में हुई। कृष्ण चंद्र नाम कृष्ण चंद्र, पैदाइश 19 नवंबर 1913 ईस्वी कश्मीर में हुई, इब्तदाई तालीम कश्मीर और लाहौर में हासिल की। इनकी तसानीफ जो है ना अन्नदाता, अन्नदाता, टूटे तारे, पुराने खुदा, हसीनों का शहर वगैरह है। इनकी वफात 1777 ईस्वी में हुई। अब आते हैं मुज्तबा हुसैन, इनका नाम था मुज्तबा हुसैन, पैदाइश 15 जुलाई 1936 ईस्वी चिंचोली में हुई, और जो है ना इब्तदाई तालीम गुलबर्गा और हैदराबाद में हासिल की, और मजाहिया कॉलम जो है ना इन्होंने शुरुआत जो की थी वो था शीशा व तीशा। मशहूर किताबें इनकी तकल्लुफ बरतरफ, खता कलाम, जापान चलो आदमी नामा। अगर आप इनको जहन नशीन अच्छे से कर लें तो हर एक के लिए 3-3 मार्क्स है, एक के लिए 3 मार्क्स है, तो जुमला आप 6 मार्क्स नंबरात हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि हम तो है ऐ सारी दुनिया के मालिक, राजा और प्रजा के मालिक, सबसे अनोखे, सबसे निराले, आंख से उजल, दिल के उजाले, नाव जगत की खेने वाले, दुख में सहारा देने वाले, जो थे तेरी जल और थल में, बास है तेरी फूल और फल में। अगर आप इतना पूरा लिख लें, ये पूरे 4 लाइंस अगर आप लिख लें, तो आप मुकम्मल 4 मार्क्स, 4 निशानात नंबरात हासिल कर सकते हैं। ये है नाते शरीफ, नाते शरीफ, सनाए खुदा है सनाए मोहम्मद, रजाए इलाही रजाए मोहम्मद, हरम में जो पहुंचे तो गूंजी सदायों, वो आए मोहम्मद, वो आए मोहम्मद, शफी उल उमम रहमते हर दो आलम, नहीं और कोई सिवाए मोहम्मद, निगाहों में जचता नहीं और कोई, मेरे दिल में जब से समाए मोहम्मद। अगर आप ये 4 लाइन अच्छे से याद कर लें तो 4 नंबरात आप हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ बहावला मतन के वजाहत कीजिए के ऐड किए हैं मैंने। यहाँ पर देखिए, जिस नाम की कोई मछली हमारे पास मौजूद नहीं है, ना खाएं तो जिंदा कैसे रहें, ये कितना लंबा चौड़ा होगा वगैरह। यहाँ पर जापान चलो से लिया गया है, क्या इस मुल्क से बरामद, क्या इस मुल्क से जापान को बरामद करने के लिए हम ही एक चीज मुनासिब रह गए हैं, और अगर तुम जापान से मेरे लिए बढ़िया सा ट्रांसिस्टर ला सको तो तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है, जापानियों की हर चीज छोटी होती है सिवाय किरदार की। अगर आप इन चीजों की प्रैक्टिस कर लें तो भी आप 3-3 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर, यहाँ पर एक लेटर है, यहाँ पर अपने क्लास टीचर के या फिर मीर मुदर्रिस के नाम एक खत लिखिए जिसमें कोई मुनासिब वजह बताते हुए 4 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त की गई हो। यहाँ पर आप तारीख और जहाँ से आप लिख रहे हैं लेटर ये लिखिए, उसके बाद आने के बाद स्कूल का नाम पता डालिए, उसके बाद मौजू सब्जेक्ट लिखिए, 4 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त, मोहतरम क्लास टीचर साहबा अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ पर मैटर, अगर यहाँ पर क्लास टीचर पूछा गया है तो आप क्लास टीचर लिखेंगे, अगर यहाँ पे मीर मुदर्रिस पूछा गया है तो मीर मुदर्रिस लिखेंगे। यहाँ पर आप मैटर में मैं डैश वर्ल्ड डैश दहम जमात का तालिब इल्म हूँ, मुकम्मल कल से मेरी तबीयत नासाज रहने में सर दर्द और बुखार सा महसूस होने पर डॉक्टर से रुजू हुए, तब डॉक्टर ने चंद दिन आराम करने का मशवरा दिया है, इसलिए मैं 4 दिन तक स्कूल हाजिर ना हो सकूंगा। आपसे अदबन गुजारिश है कि आप मेरी
मुतासिर सेहत को समझते हुए 4 दिन की, यहाँ पर आप लिखेंगे कितने दिन की आप रुख्सत ले रहे हैं, रुख्सत को मंजूर फरमाएं तो नवाजिशों की। खुदा हाफिज, फक्त आपका फरमाबरदार शागिर, नाम, जमात, रोल नंबर, फरीक वगैरह लिख दें। यहाँ पर और एक लेटर है, अपने हेडमास्टर के नाम एक खत लिखिए जिसमें ट्रांसफर सर्टिफिकेट हासिल करने का जिक्र हो। यहाँ पर मौजू में आप लिखेंगे ट्रांसफर सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए दरख्वास्त। ये मैटर इस तरह का आप अगर लिख दें तो आप 4-5 नंबरात हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पर एक है, अपने वालिद के नाम एक खत लिखिए जिसमें आपके इम्तिहान की फीस भरने का जिक्र हो। आप अपने वालिद के नाम एक खत लिखिए, मोहतरम वालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ पर खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी वहाँ खैरियत से होंगे। दीगर अहवाल यह है कि अगले माह 21 तारीख से मेरे इम्तिहान शुरू हो रहे हैं होने वाले हैं और मुझे इस इम्तिहान की फीस भरनी है। मेरे पास रुपये मौजूद नहीं है, इसलिए आप जल्द अज जल्द मनी ऑर्डर भेज दें ताकि वक्त रहते मैं अपनी रहते अपनी फीस जमा कर सकूं। और मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है और इंशाल्लाह इम्तिहानात के नतायज भी अच्छे आएंगे। इतना कहते हुए मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करता हूं। घर में सभी बड़ों को सलाम और छोटों को दुआ। थैंक यू वन एंड ऑल। और मैं जनाब आसिफुद्दीन सर, फरहान सर और तमाम विजडम इदारा जात के जुम्मेदारान की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ कुछ बोलने और इस क्लास को लेने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। सर 1 घंटा।